from Himachal, Shimla, India. She had done her postdoctoral fellow from Physical Research Laboratory, Ahmedabad, Gujarat. Dr. Shubhra Sharma had numerous peer-reviewed papers in many journals. So, I request Dr. Shubhra Sharma to please deliver her lecture. तो गुड मॉर्निंग. जैसा कि आपको पता है, अब मेरा नाम शुभ्रा शर्मा है और मैं सबसे पहले ऑर्गेनाइजर्स स्पेशली प्रोफेसर सुजाल जी को बहुत थैंक यू करना चाहूँगी कि आप जैसे ब्रिलियंट बच्चे जो हैं इससे मुझे बात करने का एक मौका दिया. तो आज मैं जिस बारे में आप लोगों से बात करूँगी, जैसा कि आप टाइटल में भी देख सकते हैं, वो है फ्लड्स इन हिमालय. अब इसमें एक सब टाइटल है, ये मिथ है या रियालिटी है. इसे हम मिथ क्यों बोल रहे हैं यहाँ पर, वो इसलिए क्योंकि जो हिमालयन फ्लड्स का नेचर है, जो उनका कैरेक्टरिस्टिक है, वो बहुत डिफरेंट है जो फ्लड्स मैदानी इलाके फेस करते हैं. मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ कैसे. ये फोटोग्राफ जो है ये केरला में जो फ्लड्स आए हैं, आप सबको पता है राइट, 2018 में. तो ये वहाँ की पिक्चर है. अब इस पिक्चर में हम क्या देखते हैं, बहुत बड़ा इलाका जो है डूबा हुआ है, पानी में जल मग्न हो चुका है, घर चले गए हैं, पेड़ चले गए हैं, सड़कें चली गई हैं. ठीक है, तरीके की प्रोसेसेस होती हैं उनके साथ जब इंटरेक्शन होती है, तो बहुत अलग तरीके के फ्लैश फ्लड्स जिनको हम कहते हैं वो जनरेट होते हैं. मैं आपको ग्राफ दिखाती हूँ. ये ग्राफ जो है इनको हम हाइड्रोग्राफ्स बोलते हैं. हाइड्रोग्राफ क्या है, ये जो वाई एक्सिस है यहाँ पे, ये डिस्चार्ज है किसी भी नदी का या नाले का. एक पॉइंट पे किसी नदी या नाले में कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर क्रॉस किया है एक सेकंड में, उसको हम डिस्चार्ज बोलते हैं. ठीक है, और ये दोनों ग्राफ्स जो हैं ये लद्दाख हिमालय के हैं. ये एक छोटी सी सहायक नदी है, इंडस की ट्रिब्यूटरी रिवर जो इसको हम बोलते हैं, और ये इंडस नदी का डिस्चार्ज है. ये किस दिन का डिस्चार्ज है, ये 2010 का फ्लड का डिस्चार्ज है. याद है आपको, आप बहुत छोटे होंगे उस टाइम पे, 2010 में लेह में बादल फटा था, जिसको हम बोलते हैं क्लाउड बर्स्ट हुआ था, बहुत तबाही मची थी. एक घंटे की लगभग बारिश थी, लेकिन पूरा का पूरा जो आपका लेह का सिटी था वो तबाह हो गया था, बहुत लोग मरे थे. लेकिन अगर मैं फ्लड के नेचर की बात करूं, आप देखो इस हाइड्रोग्राफ में 0 से 1200 मीटर क्यूबिक पर सेकंड तक बढ़ गया था, वो सिर्फ 10 मिनटों के लिए ही बढ़ा था. और अगर मैं इंडस नदी को देखूं, तो ये इसके एक्स एक्सिस पे दिन है यहाँ पे, 30 जुलाई से 29 अगस्त तक. तो जो इंडस नदी में पानी की क्वांटिटी बढ़ी थी, डिस्चार्ज बढ़ा था, वो भी बहुत कम टाइम पीरियड था, सिर्फ 2 दिन का था. लेकिन इस 20 मिनट की बारिश में और इस 2 दिन के फ्लड फ्लैश फ्लड तबाही मचा के रख दी पूरे लद्दाख हिमालय में. और ये डाउन स्ट्रीम जब लेह लद्दाख की अगर मैं बात करूं, तो ये बादल फटने की मैंने बात करी आपसे राइट. बादल फटना क्या बोलते हैं हम, क्या आपको किसी को पता है क्या डेफिनेशन होती है क्लाउड बर्स्ट की, बादल फटने की? किसी को कुछ आइडिया है, डेफिनेशन है इसकी स्पेसिफिक, आप किसी को पता है तो बोल सकता है आगे जाके. ओके, क्या नाम है आपका? हिमांशु. वेरी गुड, बैठ जाओ. तो जैसे हिमांशु ने मुझे बताया कि अचानक से बहुत टाइम पीरियड के लिए बहुत बारिश आ जाती है, तो अगर हमें किसी बारिश के इवेंट को क्लाउड बर्स्ट बोलना है, बादल फटना बोलना है, तो उसके लिए टाइम फिक्स कर दिया गया है इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा. कम से कम आपको 100 मिलीमीटर ऑफ रेनफॉल चाहिए विद इन 1 आवर या उससे कम टाइम पीरियड में, तभी हम उसको बादल फटना बोलते हैं या क्लाउड बर्स्ट बोलते हैं. अदरवाइज हम उसको बोल देंगे बहुत बारिश हो गई. जैसे 2013 में वो क्लाउड बर्स्ट तो नहीं था एग्जैक्टली, क्योंकि वो मैच नहीं करता है इस डेफिनेशन से, लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, बहुत पानी आया 2 दिन में. ठीक है, और ये आपको ये ग्राफ एक्चुअली उस चीज़ को दर्शाता है. इस ग्राफ में क्या है,
ये जो y एक्सिस है ये टोटल रेनफॉल अमाउंट है मिलीमीटर में, ठीक है, और जो x एक्सिस है आपके ईयर है 2004 से 2013 तक। जो आपको रेड बार्स दिख रहे हैं यहाँ पे, रेड कॉलम्स दिख रहे हैं, ये टोटल रेनफॉल है सर्दियों का। सर्दियों के महीने हम जनरली जब रेनफॉल हम बोलते हैं सर्दियों का महीने का, तो हम काउंट करते हैं नवंबर से मार्च तक, राइट। और ये जो पतले वाले काले कॉलम्स आपको दिख रहे हैं ये जून के महीने का रेनफॉल है। ये आपदा जो थी जून में आई थी ना, 15-16 जून को आई थी, जून के महीने का रेनफॉल है। और ये 15-16 जून 2013 का रेनफॉल है। आप देखो कितना पानी जो है, कितना बारिश जो है खाली इन दो दिन में हो गया। अगर मैं पिछले 10 साल का रिकॉर्ड लूँ तो इतनी बारिश दिनों में क्या महीने में टोटल नहीं हुई थी कभी, ठीक है, इतनी बारिश हो गई, एक्सट्रीम प्रेसिपिटेशन हो गया। इस कारण से फ्लैश फ्लड आया था 2013 में। उसमें बहुत सारी चीज़ें और भी थी, हम डिस्कस करेंगे जैसे जैसे हम आगे बात करेंगे। अब जब हम बारिश की बात कर रहे हैं तो ये बारिश आती कहाँ से, कौन से वेदर सिस्टम है या क्लाइमेट सिस्टम है जो ये बारिश लाते हैं? आपको मालूम है, आपने सुना है इसके बारे में, इंडियन समर मानसून है ना, सबको पता है मानसून गर्मियों में बारिश लाती है, खासकर पूरे हिंदुस्तान में। कुछ बारिश जो है हिमालय में भी पहुँचती है, राइट, मानसून से। दूसरा वेदर सिस्टम कौन सा है? वेस्टर्लीज, जो यहाँ पे आपको मैंने दिखाने की कोशिश की है। ये आपका इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे आपकी हिमालयन रेंज है पूरी, ये तिब्बत का पठार है, ठीक है। और गर्मियों में क्या होता है, ये समर सीजन का कार्टून है, जो समर सीजन में किस तरीके से हवाएं चलती हैं, किस तरह से वेदर फिनोमेना जो है वो बिहेव करता है। गर्मियों में क्या होता है, आपका जो पानी की बॉडी है वो जल्दी गर्म नहीं होती है लैंड की तरह। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो है वो क्या होती है, हाई होती है, कम होगी तो जल्दी गर्म हो जाएगा, हाई होती है, ठीक है, एज कंपैरिजन इन कंपैरिजन टू लैंड। तो आपका जो लैंड है वो बहुत गर्म हो जाता है, पानी रिलेटिवली ठंडा रहता है, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल। और इसकी वजह से क्या है, एक थर्मल ग्रेडियंट क्रिएट होता है, ठंडे गर्म का डिफरेंस, और उसके कारण एक प्रेशर ग्रेडियंट भी क्रिएट होता है। लैंड के ऊपर आपका लो प्रेशर आ जाएगा, पानी के ऊपर हाई प्रेशर आ जाएगा, और इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से मॉनसून की जो हवाएं हैं वो चलती हैं, एनर्जी उनको इसकी वजह से मिलती है। तो ये पानी उठाती हैं आपका, मॉइस्चर उठाती हैं आपका अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से। मैक्सिमम बारिश हमारे ईस्टर्न हिमालय में होती है, चेरापूंजी का नाम आप सबने सुना है ना। और जैसे जैसे ये धीरे धीरे आगे वेस्ट की तरफ जाएंगी, इनका मॉइस्चर कम कम होता जाएगा, वो छोड़ती जाएंगी, बारिश टकती जाएंगी, ठीक है। ये वाला जो सिस्टम है ये समर के महीनों में चलता है, जुलाई से सितंबर तक रख लो। और दूसरा सिस्टम है आपका वेस्टर्लीज का। गर्मियों में जो वेस्टर्लीज हैं ये बहुत नॉर्थ में चली जाती हैं और उत्तरी ध्रुव की तरफ चली जाती हैं, और इन्फ्लुएंस नहीं करती हैं ना हिमालय के वेदर सिस्टम को, और सब कॉन्टिनेंट में तो करती नहीं है। लेकिन सर्दियों में क्या होता, सर्दियों में आपका जो मॉनसून की डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाती है। अब आपकी लैंड ज़्यादा ठंडी है, पानी रिलेटिवली वार्म है, तो आपका जो प्रेशर ग्रेडियंट है वो उल्टा हो गया, ठीक है, हाई प्रेशर आपका लैंड पे आ गया, लो प्रेशर आपका पानी में चला गया, तो उल्टी डायरेक्शन में हवाएं चलेंगी। और ये शुष्क हवाएं होती हैं, इसमें कोई बारिश नहीं होती है, एक्सेप्ट कुछ पोर्शन तमिलनाडु का, कुछ और पोर्शन साउथ इंडिया के, क्योंकि वो यहाँ बे ऑफ बंगाल से पानी उठाती है। लेकिन जो आपकी ये वेस्टर्लीज हैं ये नीचे आ जाती है हिमालय की तरफ, और जो आजकल बारिशें होती हैं या आजकल बर्फबारी होती है खासकर नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय में, वो वेस्टर्लीज द्वारा जो मॉइस्चर लाया गया है अरेबियन सी से, कैस्पियन सी से, वो बारिश के फॉर्म में या बर्फ के फॉर्म में हमारे पास आता है, ठीक है। तो हमको ये अब क्लियर हो गया कि हिमालय में जो बारिशें आती हैं वो दो वेदर सिस्टम्स लाती हैं। ये कैसे फ्लड्स में कन्वर्ट हो जाती हैं कभी कभी, कैसे क्लाउड बर्स्ट में कन्वर्ट हो जाती हैं, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब हम आते हैं पैराग्लेशियर जोन्स के बारे में, जो मैं आपको बता रही थी कि जब बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है, तो नदियों में केवल पानी नहीं रहता है, बहुत सारा मलबा भी आता है, और ये मलबा खास इलाकों से आता है जिनको हम ग्लेशियर्स, मालूम है सबको क्या होता है, क्या होता है ग्लेशियर्स, बर्फ की चट्टाने, या फिर ऐसा इलाका जिसमें कम से कम एक साल तो परमानेंटली बर्फ जमी रहती है ना, और वो बर्फ केवल जमी नहीं रहती है, एक नदी जैसी बन जाती है बर्फ की, जो अपने ही वेट के कारण हल्का हल्का
मूव भी करते हैं मिलीमीटर पर ईयर सेंटीमीटर पर गंगा का मैप है अपर गंगा कैचमेंट का ये इसकी बाउंड्री है यहाँ पे और जो ग्रे कलर के एरियाज आप देख रहे हो ये आज के ग्लेशियर हैं जो वहाँ पे प्रेजेंट है ठीक है अब ये ग्लेशियर्स जो हैं ये हमेशा से इतने नहीं थे ये बहुत पहले नीचे तक भी आए थे कहाँ तक आए होंगे हमें पता नहीं लेकिन शायद यहाँ तक आए होंगे जहाँ मैंने ये लाल रंग की बाउंड्री बनाई है और अब ये धीरे धीरे टाइम के साथ पीछे मेल्ट होते पीछे चले गए और इतना एरिया जो है इन्होंने खाली छोड़ दिया रेड लाइन के बीच में और ग्रे एरिया के बीच में ये जो खाली छूट गया है एरिया जो ग्लेशियर ने खाली एरिया छोड़ दिया है इसको हम पैरा ग्लेशियर जोन्स बोलते हैं और इन जोन्स में ग्लेशियर्स ने बहुत सारा मलबा डाला हुआ बहुत सारा मलबा राइट जो ये एक्सट्रीम प्रेसिपिटेशन के इवेंट्स हैं ये मलबा उसको ये इवेंट्स उस मलबे को और इसके पीछे ऐसा ही पैरा ग्लेशियर जोन है जहाँ बहुत सारा मलबा भरा हुआ और 2013 में ये मलबा जो है ये चला क्योंकि बहुत बारिश हुई और आप देखें इस फोटोग्राफ में उस मलबे ने छोटी सी ट्रिब्यूटरी की छोटे से नाले की क्या दशा कर दी पूरा का पूरा इसने इसको इरोड कर दिया पूरा का पूरा इसको तहस नहस कर दिया ये वाली प्रोसेस के कारण हिमालय की नदियों में बहुत सारा सेडिमेंट आता है फ्लड्स के टाइम ठीक है कुछ आपको समझ नहीं आएगा मुझे रोक सकते हो पूछ सकते हो अगर मुझे पता होगा तो मैं जरूर बताऊंगी आपको अच्छा अब हमने डिस्कस कर लिया कि भाई बहुत बारिश होती है अब बारिश के साथ हम सबको पता है कि जब बारिश होती है तो क्या होता है पहाड़ों में बहुत सारे लैंडस्लाइड्स होते हैं भूस्खलन होता है ना कभी रोड ब्लॉक हो रहा है कभी कुछ हो रहा है इनका एक तरह से चोली दामन का साथ है आप बहुत बारिश करो आपको लैंडस्लाइड करना नहीं करना बहुत बार ये लैंडस्लाइड कहाँ हो जाते हैं छोटी छोटी नदी की घाटों में हो जाते हैं जो जैसी घाटी मैंने आपको पहले दिखाई थी और क्योंकि नदियाँ छोटी होती हैं इनमें पानी नहीं होता बहुत ज़्यादा तो ये मलबा क्या करता है कुछ देर तक इन नदियों को रोक देता है और इसके पीछे झील बननी शुरू हो जाती है पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है जो आप इस फोटोग्राफ में भी देख रहे हो ये एक बहुत क्लासिक फोटोग्राफ है 1893 के बाद की 1893 के बाद की और ये छोटी सी वैली है बिरही गंगा ये पीपल कोटी के पास में फिर जो गंगा मैं आपको पहले दिखाई थी बद्रीनाथ के पास है अब यहाँ पे क्या हुआ ये दिख रहा है आपको सफ़ेद सा यहाँ पे ये एक्चुअली लैंडस्लाइड का स्कार बोलते हैं उसको पुरानी 1893 में बहुत बारिश हुई थी जिसके कारण लैंडस्लाइड हुई ये पूरा का पूरा पहाड़ जो है यहाँ से टूट गया और यहाँ पे इसने मलबा डाल दिया जिसने इस बिरही गंगा को बंद कर दिया ब्लॉक कर दिया अब पीछे बन गई इतनी बड़ी झील अभी उस टाइम क्या था अंग्रेज़ों का ज़माना था अंग्रेज़ों को बोला गांव वालों ने कि हमारे गांव की तो नदी बंद हो गई है और झील बन रही है ये तो फटेगी तो हमारे तो गांव में तबाह लग जाएगी अंग्रेज़ों ने क्या किया एक कमेटी बना दी उसका जो कमेटी को हेड कर रहे थे उनका नाम था कैप्टन पुलफोर्ड और एक मिस्टर हॉलैंड थे जो उस टाइम का जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ ब्रिटिश इंडिया था वो उसके हेड थे अब उन्होंने कैलकुलेशंस करी उस टाइम पे कोई कंप्यूटर्स नहीं थे सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करी और उन्होंने ये पता लगाया कि इस झील को यहाँ तक भरने में कितना टाइम लग जाएगा कितने टाइम बाद ये बिल्कुल मलबे के लेवल तक पहुँच जाएगी और फिर ये मलबा फटेगा पूरा फटेगा या आधा फटेगा ठीक है और कितना वॉल्यूम ऑफ पानी जो है एक साथ निकलेगा इस नदी से जो अलकनंदा में जाके ये नदी डाल देगी और जब इतना पानी अलकनंदा में आएगा तो कौन कौन से इलाके हैं हरिद्वार तक जो पानी में डूब जाएंगे ये सब उन्होंने कैलकुलेशन कर लिया और उनकी कैलकुलेशन के मुताबिक इस झील को एक साल बाद फटना था और ऐसा ही हुआ 1894 में 25 अगस्त की रात को ये झील फटती है पार्शियल ब्रीच होता है उसका पूरी नहीं वो फटती है लेकिन ये लोग तैयार थे इन्होंने सब कुछ पहले कर रखा था क्या तैयारी की थी एक टेलीग्राफ लाइन बिछा दी थी इस गांव से हरिद्वार तक जो फटाफट मैसेज देगी कि भाई झील फट गई है लोगों को सेफ जगह पे बोल दो जाने को अगर कोई नदी के पास है तो उन्होंने एक एरिया मार्क कर दिया था कि कौन से इलाके अलकनंदा में पानी के नीचे चले जाएंगे तो जितने रास्ते थे खासकर जो तीर्थ यात्रियों के रास्ते थे बद्रीनाथ जाते थे लोग उनको उस लेवल ऑफ एंटीसिपेटेड फ्लड हम बोलेंगे उससे ऊपर जाने की हिदायत पहले से ही थी सारे ब्रिजेस जो थे उस टाइम पे 3 या 4 सस्पेंशन ब्रिजेस थे उनको हटा दिया गया था मानसून से पहले ये लेक तो कटे और एक भी जान नहीं गई इतना बड़ा फ्लड आया लेकिन एक भी जान नहीं गई दूसरा बार ये लेक फटती है
1917 लगभग 75 इयर्स के बाद. लेकिन इस टाइम क्या था, इस टाइम पे हम प्रिपेयर्ड नहीं थे, हमने कोई एंटिसिपेशन नहीं की थी कि भाई बारिश होने वाली है जो बची कुची लेखक कर सकती है. बहुत ज़्यादा जानों का नुकसान हुआ, सारे के सारे पुल तबाह हो गए, कुछ नहीं बचा. और अभी ये आजकल की फोटो अगर आप जाओगे यहाँ बिरही में तो ये आजकल कुछ ऐसे दिखेगी. तो ये यहाँ पे लेक थी, अब यहाँ कुछ नहीं है. ये लैंडस्लाइड का जो स्कार है, मार्क है, ये अभी भी है, दिखता है आपको. ये बचा हुआ जो है मलबा है, ठीक है. तो इस तरीके की झीलें और इनके फटने के बाद जो फ्लड्स आते हैं, ये भी बहुत कॉमन है हिमालय में. ये बहुत ज़्यादा कैटास्ट्रॉफिक होते हैं, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं, तहस नहस करने वाले होते हैं. एक प्रोसेस ये है. अब क्या होता है जब नदी में बाढ़ आती है, क्योंकि ये 2013 की पिक्चर है, तो वो क्या करती है, जो उसके किनारे हैं जो अदरवाइज स्टेबल होते हैं नॉर्मल कंडीशंस में, उनको भी वो काटती है, इरोड करती है. उस पानी में इतनी फोर्स होती है क्योंकि, जिसको हम टो कटिंग कहते हैं. ये यहीं का पास का इलाका है चौरास, जिसपे हम बैठे हुए हैं. यहाँ पे अलकनंदा नदी लगातार इसका टो इरोजन कर रही है, टो कटिंग कर रही है, इसको काटे जा रही है पूरे टेरेस को. तो ये प्रोसेस से भी डैमेज होता है जो फ्लड का पानी गुजर जाने के बाद तक कंटिन्यू रहता है. अनलाइक मैदानी इलाकों में जिसमें आप एक बार फ्लड खत्म कर दो तो शायद उस तरीके का इम्पैक्ट जमीन पे नहीं रहता है. और जो इलाके नदी के किनारे में नहीं है, जो पानी में जलमग्न नहीं हुए, वो भी अफेक्ट होते हैं हिमालय में. कैसे, अब ये गांव है, बटवारी गांव है, इसमें भी टो इरोजन के थ्रू जो है, जो ये लैंड है ये सबसाइड कर गई है, धस गई है. तो इसके ऊपर जो गांव बैठा था ये नदी के किनारे तो नहीं था, उनको अदरवाइज तो कोई डैमेज नहीं हुआ, लेकिन बाद में टो कटिंग के कारण, टो इरोजन के कारण बहुत सारे इनको डैमेज हो गया. तो ये प्रोसेस भी चलता है हिमालय में. दूसरा मेजर प्रोसेस जो है वो उसको हम कहते हैं ब्लॉक. सुना है आपने इसके बारे में, ब्लॉक, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, सुना है किसी ने? जो मैंने अभी तक आपको एक्सप्लेन किया, लैंडस्लाइड, लेक आउटबर्स्ट, फ्लड्स, ये जो है हमारा नॉर्थ वेस्टर्न या वेस्टर्न हिमालय, उत्तराखंड तक के इलाका, हिमाचल का इलाका, लद्दाख हिमालय का इलाका, यहाँ पे डोमिनेंटली ये प्रोसेस ऑपरेट करती है. बहुत बारिश होती है, ऐसे ऐसे छोटे छोटे लैंडस्लाइड से बाधित डैम्स बनते हैं जो फटते हैं. ये वाली जो प्रोसेस है ये ज़्यादा कारगर है ईस्टर्न हिमालय में. अरुणाचल वाला इलाका है, सिक्किम है, नेपाल है, भूटान है, वहाँ पे इस प्रोसेस से फ्लड आते हैं. अब ये क्या होता है, आप सबको पता है ग्लेशियर क्या होता है, आप सबने मुझे बताया है, ठीक है. तो यहाँ पे ये पहाड़ की चोटियाँ हैं, ये ग्लेशियर है इसके यहाँ पर. अब ये ग्लेशियर यहाँ से बहता है और यहाँ पे ख़त्म होता है. अब जहाँ ये ख़त्म हो रहा है यहाँ पे एक बड़ी सी झील बनी हुई है ना, बनी हुई है ना, इसको हम बोलते हैं प्रोग्लेशियल लेक. और ये लेक क्यों बनी है, क्योंकि इसके आगे बहुत सारा मलबा पड़ा हुआ है. दिख रहा है सबको ये मलबा पड़ा हुआ है. तो इस मलबे ने क्या किया है, ग्लेशियर से तो पानी मेल्ट होता रहता है ना, कुछ मेल्ट होगा कुछ जमा होगा. तो ये मेल्ट पानी को क्या किया है इस मलबे ने, जमा कर लिया. इसको जो रुकावट आ गई है तो ये पानी जमा होता रहा, पीछे झील बन गई है बहुत बड़ी. अब इस मलबे की भी बेचारे की कुछ कैपेसिटी है, कुछ देर तक ही रोक पाएगा इस पानी को. और जब ये फटेगा तो एक साथ सारा का सारा पानी ये नीचे नदी में डाल देगा, जिसके कारण फिर से फ्लैश फ्लड आएगा. तो ये वाली प्रोसेस से भी हिमालय में फ्लड्स आते हैं. ज़्यादातर फ्लड जो आपके ईस्टर्न हिमालय के हैं या सेंट्रल हिमालय के हैं वो इस प्रोसेस से आते हैं, ठीक है. अब हमने अभी तक जितना भी कुछ डिस्कस किया वो बेस्ड है शॉर्ट टर्म रिकॉर्ड्स के ऊपर, जो हमारी ऑब्जर्वेशन हैं, जो हम देखते आए हैं मे बी पिछले 100 सालों में या मे बी 200 सालों में, राइट. और इससे हमने क्या समझा है, इससे हमने कुछ क्लाइमेट की प्रोसेसेस के बारे में समझा है. ये समझा है कि किस तरह से क्लाइमेट की प्रोसेसेस जो है ये अर्थ सर्फेस के साथ में इंटरैक्ट करती हैं और फ्लैश फ्लडिंग होती है. लेकिन ये वाले क्वेश्चन जो हैं ये अभी भी अनआंसर्ड है. वो क्या क्या क्वेश्चन हैं, पहला क्वेश्चन है कि क्या इन फ्लड इवेंट्स का, इन फ्लैश फ्लड्स का कोई पैटर्न है, कोई फ्रीक्वेंसी है, कि भाई 100 साल बाद एक फ्लड इतने मैग्नीट्यूड का इतने पानी के साथ आना ही आना है, ऐसा क्या कुछ है, हमें नहीं पता. क्या जो ज़्यादा वल्नरेबल हैं, ज़्यादा संवेदनशील हैं इन प्रोसेसेस के लिए,
और बहुत सारे फ्लड वहीं से जनरेट होते हैं. क्या कुछ ऐसा है फेवरेट हॉटस्पॉट्स जिनको हम बोल सकते हैं, हमें वो भी नहीं पता है. ठीक है, अब मैंने आपसे तीन चार मैकेनिज्म डिस्कस किए, क्लाउड बर्स्ट, ललॉफ, ग्लॉक. बहुत बार ये क्या होता है, हम बोलते हैं पैटर्न है उसमें चेंज आ जाए, मतलब एक डोमिनेट कर रहा है पूरे फ्लडिंग के मैकेनिज्म को, हमें वो भी नहीं पता है. और अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है एंथ्रोपोजेनिक इम्पैक्ट. एंथ्रोपोजेनिक मतलब हम लोगों का, इंसानी लोग कैसे इस नेचुरल फिनोमेना को इम्पैक्ट कर रहे हैं, क्या हमारे इंटरवेंशन से इन फ्लड का इम्पैक्ट बढ़ रहा है, घट रहा है, चीजें सुधर रही हैं, बिगड़ रही हैं, पता नहीं. और फिर आता है फोरकास्टिंग या प्रिडिक्शन. कुछ भी आप साइंस की बात कर लो, अर्थक्वेक्स की बात कर लो, वाइल्ड फायर की बात कर लो, अल्टीमेटली वैज्ञानिकों का एक लक्ष्य रहता है कि भाई हम प्रिडिक्ट कर पाएं, या तो कम से कम फोरकास्ट कर पाएं कि आने वाले टाइम में कुछ ऐसा होगा या नहीं होगा. लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आप चीज़ों को पूरे तरीके से समझ पाओगे. जब आपकी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है चीज़ों के बारे में, तो आप कैसे फोरकास्टिंग करोगे या कैसे प्रिडिक्शन करोगे. तो ये भी हम अभी क्वेश्चन मार्क हैं, ये एरिया भी ब्लैंक है हमारा, हमें नहीं पता. ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन जो है ये आप शॉर्ट टर्म रिकॉर्ड से सॉल्व नहीं कर सकते. पिछले 100 साल 200 साल के डेटा ये आपको सब चीज़ें नहीं समझाएगा. हमें कुछ ऐसा रिकॉर्ड चाहिए जो पिछले हजारों सालों में या मे बी लाखों सालों तक जाए, और फिर हम समझ पाए कि भाई हजारों सालों से या लाखों सालों से किस तरीके से ये फ्लड हो रहे थे, तब ये आप सारे क्वेश्चंस आंसर कर पाओ. और उसके लिए हम जाना पड़ता है हमें जियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स, जिसको हम बोलते हैं पेलियो फ्लड रिकॉर्ड्स या पास्ट के फ्लड्स के रिकॉर्ड, हजारों सालों से उनकी एजेस होते हैं. अब मैं आपके बारे में आपसे मैं इनके बारे में थोड़ी सी बात करूंगी कि रिकॉर्ड्स कैसे दिखते हैं, इनको हम कैसे यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो हिमालय की मैं अगर बात करूं, अभी तक बहुत ज़्यादा अध्ययन नहीं हुआ है पेलियो फ्लड रिकॉर्ड्स के ऊपर या पास्ट के जो फ्लड के रिकॉर्ड्स हैं उनके. ये जो सितारे आपको दिख रहे हैं ये वो नदियाँ हैं जिनसे हमने ये रिकॉर्ड्स स्टडी किए हैं. ब्रह्मपुत्र है, अलकनंदा से हैं हमारे पास कुछ रिकॉर्ड, सतलुज से हैं और इंडस से हैं, चार नदियों के अलावा नहीं है कहीं से भी. इसलिए नहीं कि वैज्ञानिक समझना नहीं चाहते हैं इनको, पर इसलिए कि हिमालय की नदियाँ इतनी डायनेमिक हैं, इतनी फिरोशियस हैं, कुछ छोड़ती नहीं है रिकॉर्ड के नाम पर. तो इन रिकॉर्ड्स को ढूंढना बहुत मुश्किल होता है. सबसे पहले जो हिमालयन नदी में फ्लड्स का रिकॉर्ड आया था, पास्ट फ्लड्स का, वो इसी घाटी से आया है. यहाँ से आप करीब 10 किलोमीटर नीचे जाओगे नदी के साथ तो भैंसवाड़ा एक गांव है, वहाँ लेफ्ट साइड में देखना अलकनंदा के रेत के टीले पड़े हुए हैं. मैं आपको दिखाऊंगी आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो उन रिकॉर्ड को. सबसे पहला पेपर जहाँ से आया था, साइंटिफिक पेपर जिसको हम बोलते हैं, 2008 में और फिर 2013 में बड़ा अध्ययन किया गया था उन फ्लड्स पे. लेकिन जो एक कम्प्लीट रिकॉर्ड है पेलियो फ्लड्स का, पास्ट फ्लड्स का, जो पिछले 14,000 सालों तक जाता है, वो सतलुज घाटी से है जिसमें मैंने काम किया है. मेरे साथ बहुत और लोग भी टीम में शामिल हैं, पूरी टीम है इसमें. तो उसका मैं कुछ कुछ आपसे चीज़ें शेयर करना चाहूँगी कि हमें क्या पता लगा उस अध्ययन के बारे में. तो सतलुज नदी की ओर चलते हैं पहले. तो सतलुज नदी एक बहुत पुरानी नदी है, हिमालय सदी पुरानी, एंटीसेडमेंट हम ऐसी नदियों को बोलते हैं. और ये तिब्बतन प्लाटो से चलती है, तिब्बतन पठार से इसका उद्गम होता है और वहाँ से होती हुई ये हिमालय को काटती हुई फिर इंडो गैंगस्टिक प्लेन में इंडस नदी के साथ में मिल जाती है. ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई हैं इस मैप में. क्या क्या है वो, एक तो यहाँ पे वेस्टली है और मॉनसून है, मतलब जो इंडस की कैचमेंट है, सॉरी सतलुज की कैचमेंट है, ये इसकी कैचमेंट है, मतलब इसमें बहुत सारी छोटी छोटी सहायक नदियाँ हैं जो बड़ी सतलुज नदी को फीड करती हैं और ये बड़ी नदी बनती है. ठीक, तो इतना एरिया इसका कैचमेंट एरिया है. यहाँ पे जो बारिश होती है या बर्फ गिरती है वो दोनों सिस्टम से आती है, मानसून से भी आती है, वेस्टर्ली से भी आती है. अब यहाँ पे आप पीला रंग देखते हो, यहाँ पे पिंक है, यहाँ पे ब्लू है, ये दर्शा रहा है कि सतलुज नदी
कि जो कैचमेंट है वो कुछ जो उसमें चट्टानें हैं, पहाड़ हैं, वो एक अलग विशेष तरह के रॉक से बनी हुई है। यहाँ पे एक तरह के रॉक टाइप डोमिनेट करेंगे, यहाँ पे एक तरीके के रॉक टाइप डोमिनेट करेंगे और यहाँ पर एक तरीके के। और जो हमने रिकॉर्ड स्टडी किए हैं वो लाल जो आपको रेक्टेंगल दिख रहा है यहाँ पे रिकॉर्ड थे। तो इस रॉक टाइप के ऊपर बाद में फिर आऊँगी, इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं मैं आपको क्यों बता रही हूँ, ठीक है, इसको मैं बाद में भी बताऊँगी। अब जो ये सतलुज नदी है ये एक्चुअली बहुत ही क्या बोले शैतान नदी है जिसको बोल सकते हैं, नोटोरियस है। फ्लड्स इसमें ऑलमोस्ट हर दूसरे तीसरे साल आते हैं, छोटे मोटे फ्लड्स, और मेगा फ्लड जो है उसमें तकरीबन हर 10 सालों में आपको एक मेगा फ्लड सुनने को मिल जाएगा। ये जो फोटोग्राफ मैं आपको दिखा रही हूँ ये एक सैटेलाइट इमेजरी है बेसिकली, जो कारछू झील की है। सुना है आपने किसी ने कारछू फ्लड के बारे में? आप बहुत छोटे रहेंगे उस टाइम पे, 2005 में ये फ्लड हुआ था। कारछू नदी एक बहुत छोटी सी ट्रिब्यूटरी है, जैसे बिरही है या खीरो है जो अलकनंदा में मिलती है, ऐसे ये कारछू सतलुज में मिलती है, बहुत छोटी सी ट्रिब्यूटरी है। और यहाँ पे क्या हो गया, ये तिब्बत के इलाके में लैंडस्लाइड हो गया यहाँ पे, पता नहीं क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत एरिड टेरेन है, वैसे बारिश भी नहीं होती है बहुत, लेकिन जो भी है यहाँ एक लैंडस्लाइड हो गया 2004 में, जो सैटेलाइट ने ही देखा क्योंकि यहाँ कोई जाता नहीं है। अब यहाँ लैंडस्लाइड हो गया तो ये छोटी सी नदी जो है ब्लॉक हो गई, इसमें बहुत बड़ा झील बन गई। और ये झील पड़ती है एक साल बाद 2005 में और तबाही मचा देती है इंडिया में, तिब्बत में बहुत भयानक फ्लड आता है इसमें। ये झील फटने के बाद की फोटोग्राफ है, आप देखो सारा पानी निकल गया है, ड्रेन हो गई है ये कारछू लेक। तो ऐसी लेक्स बहुत ज़्यादा फटती हैं सतलुज में, बहुत ज़्यादा फ्लड जाते हैं, इसलिए इस नदी को समझना भी ज़रूरी है कि यहाँ पे ऐसे इवेंट्स क्यों होते हैं। अब पेलियो फ्लड डिपॉजिट्स या इनका एक और नाम है स्लैक वाटर डिपॉजिट्स, ये दिखते कैसे हैं? अब कैसे बोलेंगे भाई ये पेलियो फ्लड डिपॉजिट है? तो ये कुछ ऐसे दिखते हैं, बड़े बड़े रेत के टीले, जो ये फोटोग्राफ है ये तकरीबन 10 मीटर ऊंचा सेक्शन है, लेकिन हर जगह आपको इतने बड़े रेत के डिपॉजिट नहीं मिलेंगे। सतलुज अगेन एक बहुत ही स्पेशल नदी है, इसको आप बोल सकते हो। मैं तकरीबन नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय में हर नदी को मैंने तकरीबन देखा है, लेकिन जैसे डिपॉजिट सतलुज नदी में है ऐसे डिपॉजिट किसी में नहीं है, ना गंगा में है, ना इंडस में है, ब्यास में, किसी नदी में नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सतलुज नदी जो है ये कई हजारों सालों से इसमें जो फ्लड्स का प्रोसेस है वो चलता आ रहा है, तभी इतना मलबा जो है वो जनरेट कर पाई है। अब ये जो रेत के टीले हैं ये इनको अगर मैं थोड़ा साफ करूं और थोड़ा नज़दीक से देखूं, ये कुछ ऐसे दिखेंगे, ये सिंपली रेत नहीं है, इसमें आपको दिख रहे हैं दूर से कुछ अलग सा, यहाँ पर क्या अलग दिख रहा है इसमें जो छोटी फोटोग्राफ है बताओ? स्मूथ तो मैंने इसको किया है, इसको हम साफ करते हैं, ऐसे तो ये ऐसा खुरदुरा होगा जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है, इसको हम खोदते हैं साफ करते हैं ताकि हमें दिखे ये है क्या, तो वो स्मूथनेस भूल जाओ, उसके अलावा और क्या दिख रहा है आपको? वो दराज ही साफ, हम पूरा पहाड़ साफ नहीं कर सकते हैं, छोटा सा सेक्शन करते हैं, है ना, जैसे यहाँ पे मैं इसको पूरा नहीं साफ करूँगी, सिर्फ इतना सा करूँगी, इसलिए वो दराज ही दिख रही है आपको, दराज कुछ नहीं है। उसके अलावा बताओ, लाल लाल सा दिख रहा है बीच में, कितने कितनी लाल आपको लकीरें दिख रही हैं इसमें? एक दो, वेरी गुड, है ना, तो ये दो लकीरें एक्चुअली हमको बता रही हैं कि यहाँ पे एटलीस्ट दो फ्लड एविडेंस, दो फ्लड इवेंट्स का एविडेंस है या प्रमाण है, एक और दो। अब ये बनते कैसे हैं? अगर मैं फर्स्ट फ्लड डिपॉजिट की बात करूं, इस एक लेयर की बात करूं, तो ये जो बॉटम है यहाँ पे पहले मोटा रेता बैठेगा, मोटा रेता सेटल होगा, ठीक है, और जैसे जैसे मैं इस लाल लेयर के ऊपर यहाँ टॉप पे जाऊंगी, वैसे वैसे जो रेत के कण का साइज है वो छोटा 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 होता जाएगा, और ऊपर आपको यहाँ पे क्ले टाइप
मिट्टी मिलेगी जो डार्क है रंग में, भूरे रंग की है ना ये, राइट। और ये सेकेंड इवेंट है जो और इसके ऊपर है। सेकेंड इवेंट को इसमें एक चीज आप यहाँ पे समझो कि सेकेंड फ्लड इवेंट को इसके ऊपर बैठने के लिए उसको इससे बड़ा होना पड़ेगा ना, राइट। क्योंकि मैं क्या कर रही हूँ, एक फ्लड में ला रही हूँ, उस फ्लड के पानी में बहुत सारी रेत है, सिल्ट है, पहले मोटी रेत बैठेगी फिर बारीक रेत बैठेगी आपकी, वो डिपॉजिट आपका बन गया जो ये फर्स्ट वाला है। अब इस डिपॉजिट पे क्या होता है, पेड़ पौधे उगते हैं टाइम के साथ में, पेड़ पौधे मरते हैं, इसमें ऑर्गेनिक मैटर आप ऐड करते हो। जो आपको इसमें ब्राउन कलर दिख रहा है वो एक्चुअली ऑर्गेनिक मैटर है जिसको हम यूज़ भी करते हैं, मैं आपसे आगे डिस्कस करूँगी उसको कैसे यूज़ करते हैं। अब ये आपका एक फ्लड हो गया, अब दूसरा फ्लड आया, पता नहीं कब आया, बहुत सालों बाद, हजारों सालों बाद, लेकिन उसको इस फ्लड से बड़ा होना पड़ेगा तभी इसके ऊपर बैठेगा ना। तो ये सेकेंड इवेंट वो वाला फ्लड है, सेम प्रोसेस, समझ आ गई। कोई क्वेश्चन यहाँ पे? तो थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ कि ये डिपॉजिट बनते कैसे हैं। इस कार्टून में ये जो ब्लू कलर के आपको कलर दिख रहा है ये नदी है एक्चुअल में, और ये इसके किनारे हैं ये वाले, ठीक है। ये नॉर्मल कंडीशन दिखा रही है कि नॉर्मल कंडीशन में नदी में पानी चल रहा है। फ्लड्स में क्या होगा, जब बाढ़ आएगी फ्लैश फ्लड जाएंगे, लेकिन नदी के जो किनारों में भी पानी घुस जाएगा, जो मोटे मोटे एरोज हैं ये वो पानी है, ठीक है। अब इस पानी में बहुत सारा रेत भी है, सेडिमेंट भी है, और इन किनारों में कई बार छोटे छोटे केव्स होती हैं, मतलब गड्ढे से बने होंगे, आपने देखा होगा जो वैली वॉल्स हैं, स्लोप्स हैं, उसमें कई बार ऐसे मटेरियल निकला होता है, छोटी छोटी केव्स बन जाती हैं, है ना। या फिर कई जगह पे चैनल आपका नदी का जो चैनल है वो बहुत वाइड होगा, जैसे आपके श्रीनगर में, या फिर ऐसी ट्रिब्यूटरीज होंगी, सहायक नदियाँ होंगी, वो भी मिल रही होंगी, तो इसमें भी फ्लड का पानी घुस जाएगा, इन सभी जगह में फ्लड का पानी घुस जाएगा। अब जैसे ही इन जगहों पे ये फ्लड का पानी घुसेगा, इसकी जो वेलोसिटी है पानी की वो कम हो जाएगी, ठीक है। जैसे ही पानी की वेलोसिटी कम हुई, अब उसमें एनर्जी नहीं है कि वो इतना मलबा जो उठा के लाई थी वो उसे उठाता, उसकी एनर्जी जो है वो कम हो गई है, वो अपना मलबा वो डालना शुरू करेगी। तो अगर आपकी मम्मी आपको 5 किलो, 10 किलो, 2 किलो, 2 ग्राम के पैकेट देती हो, बोलती है जाओ बेटा इन इन लोगों को दे के आओ, सबसे पहले कौन सा दोगे, सबसे भारी वाला, ये बहुत भारी है इसको पहले छोड़ो, तो नदी भी ऐसे करेगी, सबसे भारी वाला जो उसके पास सामान होगा वो पहले छोड़ेगी, सबसे मोटे मोटे जो रेत होंगे, उसके बाद उससे हल्का, उससे हल्का, उससे हल्का, इसीलिए हमको हम बोलते हैं अपवर्ड पाइनिंग सीक्वेंस हमें मिलती है, ठीक है। अब नदी का जो फ्लड वाटर है वो घुस गया इन जगहों पर, एनर्जी कम हो गई इस पानी की, डिपॉजिट हो गया, और जब ये पानी निकल जाता है तो पीछे छोड़ जाता है स्लैक वाटर डिपॉजिट, जिसकी मैंने आपको फोटोग्राफ दिखाई थी, राइट। ऐसे ये पेलियो फ्लड डिपॉजिट्स या स्लैक वाटर डिपॉजिट्स बनते हैं। अब हम क्या करते हैं, हमें ये समझना है कि भाई ये कौन से क्लाइमेट में बने हैं, किस तरीके की बारिशें हो रही थी उस टाइम पे, तो वो जानने के लिए हम इनको डेट करते हैं। हमें ये जानना जरूरी है कि ये बने कब हैं। आपने कार्बन डेटिंग के बारे में सुना है, सबने सुना होगा, है ना। एक तो हम कार्बन डेटिंग यूज़ करते हैं इसमें, और दूसरी टेक्निक यूज़ करते हैं ऑप्टिकल क्यूमुलेटिव डेटिंग टेक्निक, जिसको हम OSL बोलते हैं, इसके बारे में सुना है आपने, ठीक है। मैं थोड़ा थोड़ा दोनों के बारे में आपको बताऊंगी, कुछ चीज़ें आपको ऑलरेडी पता होंगी। अगर मैं रेडियो कार्बन डेटिंग की बात करूँगी, शायद 20वीं सदी की सबसे बड़ी उपलब्धि है जो डॉक्टर विलर्ड लीबी ने की थी, इनको नोबेल प्राइज भी मिला था इसमें। और ये बेसिकली डिपेंड करती है हम इसमें क्या मेजर करते हैं, हम इसमें कार्बन के आइसोटोप्स मेजर करते हैं। आइसोटोप आप सब बच्चे समझते हो क्या होते हैं, राइट। हम इसमें C14 नामक जो आइसोटोप है कार्बन का वो मेजर करते हैं, जो बहुत कम मात्रा में होता है। अगर मैं उसको कंपेयर करूँ C12 से, जो लगभग 99% वही बनाता है टोटल एलिमेंट कार्बन का, बहुत 0.001% जो है
सी प्रोटीन रहेगा। हमारी इंटरेस्ट का यही है क्योंकि इसका जो न्यूक्लियस होता है वो स्टेबल नहीं होता है, राइट। और ये बीटा डीके करता है, इलेक्ट्रॉन देता है और वापस जाना चाहता है किसी स्टेबल एलिमेंट फॉर्म में जो नाइट्रोजन है। मैं आपको इक्वेशन इसकी दिखाती हूँ। जब ये डीके करेगा, बीटा डीके इलेक्ट्रॉन देगा तो ये एन प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है, इसके फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। प्रोसेस इसकी ये है। और ये डीके जो लॉ फॉलो करता है उसको हम कहते हैं रेडियो एक्टिव डीके लॉ। ये सभी आप जानते हैं, लॉ को पढ़ा होगा स्कूल में, ये पढ़ा है, ओके। तो जिस रेट से एक C14 कन्वर्ट होगा एक स्टेबल न्यूक्लियाइड में, वो दो चीजों पे डिपेंड करेगा। पहली, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी C14 की एटम्स, ठीक है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। और दूसरा, वो किस रेट से डिके करता है, जिसको हम डिके कॉन्स्टेंट बोलते हैं, डिके फंक्शन बोलते हैं, जो ये लंबा है यहाँ पे। और ये इक्वेशन है जो आपको ये बता रही है कि एक यूनिट टाइम में डिके, मतलब नेगेटिव जो ये सिंबल है डिके को सिग्निफाई कर रहा है, ये डिपेंड करता है डिके कॉन्स्टेंट पे और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एटम। बेसिक प्रिंसिपल इसका C14 का ये, ज़्यादा डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है। और एक कॉन्सेप्ट हाफ लाइफ का है जिसको हम यूज़ करते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर मैं आपको 100 एटम्स दे दूँ C14 के, राइट, कितने टाइम के बाद 50 रह जाएंगे, तो जो टाइम लगेगा उसको 100 से 50 में जाने को, उसको हम हाफ लाइफ बोलते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और C14 की हाफ लाइफ है 5730 ईयर्स, 5000 कुछ साल, ठीक। अब ये एटमॉस्फेयर में आता कैसे है? एटमॉस्फेयर में क्या होता है, आपको नहीं पता है एटमॉस्फेयर क्या है? एक एनवलोप है हवा का, पृथ्वी को जो सराउंड करता है, राइट। सबसे ज़्यादा कौन सी गैस होती है एटमॉस्फेयर में? वेरी गुड, नाइट्रोजन होगी। अब इस नाइट्रोजन में क्या होता है, कॉस्मिक रेज एक बहुत ही एनर्जेटिक रेडिएशन है जो बाहर के स्पेस से आती है, वो हमारी पृथ्वी की नहीं है, हमारे सोलर सिस्टम की भी नहीं है, गैलेक्सी से बाहर से वो आती हैं और इस नाइट्रोजन पे अटैक करती हैं और उससे एन प्रोटीन से वो बना देती हैं उसको C14, प्रोटॉन निकाल देते हैं उसका, वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट बन जाता है जो अनस्टेबल होता है। और एटमॉस्फेयर में और क्या होता है आपके पास, दूसरा सबसे अबंडेंट ऑक्सीजन, ये रिएक्ट कर जाता है ऑक्सीजन के साथ और बना देता है एक मॉलिक्यूल जो रेडियो एक्टिव, जिसमें कार्बन है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये प्लांट्स लेते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, उन प्लांट्स को हम खाते हैं, पेड़ पौधे खाते हैं, ये एनिमल्स खाते हैं, एनिमल्स को हम भी खाते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, ये फूड चेन में चला जाता है आपका C14, राइट। और जब तक कोई भी चीज़ जिंदा रहेगी, लिविंग रहेगी, चाहे वो एनिमल है या प्लांट है, एक इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा। जो आपके एटमॉस्फेयर में C14 है, उतना ही अभी हमारी बॉडीज में C14 है, बराबर रहेगा। और इस प्रिंसिपल को C14 की डेटिंग जो है वो एक्सप्लॉइट करती है। जब कोई प्लांट मर जाता है या एनिमल मर जाता है, तो ये C14 डीके करना शुरू करता है, स्टेबल तो नहीं है, ये डीके करेगा। तो हम ये मेजर कर लेते हैं कि भाई अभी आपके पास कितना C14 बचा है इस मरे हुए प्लांट में या एनिमल में, और उससे हम पता लगा लेते हैं कि ये कितना पुराना है, क्योंकि हमें पता है इसकी क्वांटिटी जो है आधी हो जाती है 5000 साल के बाद, ठीक है। कुछ कुछ समझ आ गया होगा, ठीक है, बहुत डिटेल में भी जाने की जरूरत नहीं है, एक बेसिक प्रिंसिपल ये रहता है। अब इससे हम क्या क्या डेट कर सकते हैं, हड्डी, दांत, लकड़ी, आपका राइस, ग्रेन, सीरियल, कुछ भी ऑर्गेनिक है वो सब हम इससे डेट कर सकते हैं। जो आप लाल मिट्टी देख रहे थे फ्लड्स में, उसमें भी ऑर्गेनिक मैटर है, मरे हुए प्लांट हैं, जो डिके हो गए हैं, उसको भी हम डेट कर सकते हैं, सॉइल भी हम डेट कर सकते हैं। और ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये फिजिकल रिसर्च लेबॉरेटरी जो अहमदाबाद में लैब है, वहाँ पे ये फैसिलिटी है कि आप किसी सैंपल से C14 निकाल के उसकी एज बता सकते हो सेडिमेंट की। तो एक आपके पास इंस्ट्रूमेंट का सेटअप ये है, ये कन्वेंशनल रेडियो कार्बन डेटिंग हम इसे बोलते हैं। इसमें या तो हम एक लिक्विड बनाते हैं बेंजीन,
या फिर हम डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, उस सैंपल को हम बर्न करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो उससे मिलती है और फिर उसको डीके होने देते हैं, बीटा से वो डीके होता है जो मैंने आपको बताया, और उस बीटा डीके को हम मेजर करते हैं। और ये ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड मशीन है जिसको हम बोलते हैं एक्सेलरेटेड मास स्पेक्ट्रोमीटर। जितना बड़ा ये ऑडिटोरियम है इतना बड़ा कमरा लगता है इस मशीन को रखने में, बहुत सोफिस्टिकेटेड मशीन है। इसमें एडवांटेज ये है कि अगर आपके पास 0.5 मिलीग्राम या 1 मिलीग्राम भी कार्बन हो तो वो भी आप डेट कर सकते हो बहुत हाई प्रिसीजन के साथ। ठीक है, जस्ट आपको दिखाने के लिए कि इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो यूज होते हैं। अब दूसरी टेक्निक की मैं बात करती हूँ तो वो है कोएसल। आपको आवाज आ रही है? माइक तो लगे नहीं। दूसरी टेक्निक कौन सी है? ओएसएल। ओएसएल में हम क्या करते हैं, डायरेक्टली जो मिट्टी है ये फ्लड की रेत है इसको हम डायरेक्टली देख सकते हैं। हम क्या करते हैं, ऐसा सैंपल लेते हैं उसको लाइट से बताते हुए हम लैब्स में ले जाते हैं। मैं आपको बताती हूँ लाइट से क्यों ले जाते हैं। तो ये जो रेत है अगर मैं इसको साफ करूँ, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसीजर है, अलग अलग केमिकल्स के साथ उससे ट्रीट करूँ तो उससे ऐसे क्वार्ट्ज के क्रिस्टल्स निकलेंगे। ये लगभग 1 मिलीमीटर का होगा एक क्रिस्टल। ज़्यादातर जो आपकी सैंड है वो इसी क्रिस्टल से बनी होती है, क्वार्ट्ज हम इसको बोलते हैं, सिलिका डाइऑक्साइड इसका केमिकल कॉम्पोजिशन रहता है। और इन क्रिस्टल्स की बहुत ज़बरदस्त मेमोरी होती है। अब ये क्रिस्टल की मेमोरी कैसी होगी, किस तरह की मेमोरी होगी? ये क्रिस्टल्स ये याद रखते हैं कि इसके सराउंडिंग में जो मिट्टी थी यहाँ पे कितनी न्यूक्लियर एनर्जी प्रेजेंट थी। आपको वैसी न्यूक्लियर एनर्जी नहीं जो हम न्यूक्लियर रिएक्टर में देखते हैं, बड़े बड़े रिएक्शन होते हैं, लेकिन सॉइल में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स रहते ही हैं। यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, पोटाशियम हो गया, जो डिके करते हैं और छोटी छोटी एनर्जी भी रिलीज करते हैं। तो कितनी एनर्जी रिलीज हुई वो ये क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो है मेमोरी की तरह याद रखते थे। और इनकी मेमोरी जो होती है वो इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में होती है। अब देखेंगे वो कैसे याद रखते हैं। ये जो आपके एलिमेंट्स हैं यूरेनियम थोरियम पोटेशियम जो इसको एनर्जी देते हैं क्वार्ट्ज क्रिस्टल को। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड पता है आप बच्चों को क्या होता है? वैलेंस और कंडक्शन में पहला डिफरेंस क्या है, मेन डिफरेंस? एनर्जी का डिफरेंस है ना। वैलेंस बैंड ग्राउंड स्टेट एनर्जी है और कंडक्शन बैंड में वो इलेक्ट्रॉन जाएंगे जो एक्साइटेड स्टेट में है। आइडियल तो कुछ नहीं होता नेचर में, हमने भी बहुत सारी कमियां हैं, इसमें भी बहुत सारी कमियां हैं जिनको हम बोलते हैं डिफेक्ट्स, ट्रैप्स। जो बीच में आपको लाइनें दिख रही हैं टी और एल, ये बहुत सारे डिफेक्ट्स हैं फॉरबिडन गैस में जिसमें इलेक्ट्रॉन चुपके से बैठ सकता है। ठीक है, तो अब क्या होता है स्टेट में, और ये जो ट्रैप्स हैं ये अट्रैक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ। तो इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे जो है कंडक्शन बैंड से खिसकता हुआ इन ट्रैप्स में जाके बैठ जाते हैं, इसको ये अट्रैक्टिव लगते हैं। ठीक है, और ये आ गया आपका सेकेंड स्टेज, जब मिट्टी आपकी डिपॉजिट हुई है कुछ टाइम तक वो डिपॉजिट रही है और एनर्जी लेती रही है, तो ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अट्रैक्ट होके ऐसे ट्रैपिंग सेंटर में फंस गए। अगर इनको इस ट्रैपिंग सेंटर से बाहर निकलना है तो एनर्जी चाहिए, अदरवाइज इनके बस की बात नहीं है इन ट्रैपिंग सेंटर से बाहर निकलना, फंसा लिया इन ट्रैपिंग सेंटर में ही लेको, राइट? तो हम क्या करते हैं इसको हम ले जाते हैं लैब में लाइट से बचाते हैं, क्योंकि जैसे ही आप इसको लाइट को दिखाएंगे चाहे वो नेचुरल है या आर्टिफिशियल है, इन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिल जाएगी अपने आप को फ्री करने के लिए, ट्रैपिंग सेंटर से भागने के लिए, राइट? हमें भगाना नहीं है अभी इलेक्ट्रॉन को, हम इसको लैब में ले जाएंगे और एक नॉन एनर्जी देंगे इसको, नॉन एनर्जी जो जनरली हम लाइट के फॉर्म में देते हैं ताकि हम मेजर कर सकें कितने इलेक्ट्रॉन इन ट्रैपिंग सेंटर्स में फंसे हैं। तो ये ट्रैपिंग सेंटर में यहाँ इलेक्ट्रॉन फंसा है, मैं इसको एनर्जी दूंगी लाइट से, फिर से ये कंडक्शन बैंड में जाएगा, वापस आना चाहेगा, लेकिन भाई यहाँ पे तो और भी जाल दिखे हुए हैं और एक ट्रैपिंग सेंटर में फंस जाएगा। लेकिन ये स्पेशल तरह के ट्रैपिंग सेंटर्स होते हैं जिनकी कंडीशन ये होती है कि अगर तुम्हें इसमें रहना है
इस ट्रैफिक सेंटर में रहना है तो भाई पहले लाइट एक फोटोन छोड़ो. इलेक्ट्रॉन बोलता है ठीक है मुझे क्या करना है फोटोन, वो लाइट छोड़ देता है ये वाली जिसको हम डिटेक्ट करते हैं टीएमटी ट्यूब बोलते हैं उसको, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब राइट. हम इसको डिटेक्ट करते हैं एक इलेक्ट्रॉन मतलब एक फोटो, दो इलेक्ट्रॉन दो फोटो, ऐसे हम सिग्नल मेजर कर लेते हैं जो हमारे काम का में ये पता चल जाता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स इस पर्टिकुलर क्रिस्टल में फंसे हुए हैं, ये हम पता लगा लेते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अब तो भाई सिंपल है, उसके बाद क्या करना है उसके बाद आप ये सोचो ये जो ट्रैफिक सेंटर्स हैं आपके ये पानी की खाली बाल्टियाँ हैं ठीक है, और इसमें जमा हुआ जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पानी है. तो हमने टोटल पानी का पता लगा लिया कितना था, और हमें ये भी पता है कि किस रेट से वो पानी इस बकेट में भर रहा है, एक बूंद एक घंटे में भर रही है या एक बूंद दो घंटे में गिर रही है इस बकेट में, तो हम उस रेट का भी पता लगा देते हैं. अब तो सिंपल है, हमारे पास टोटल पानी पता है हमें इतना है, मेरी एक लीटर पानी है और हमें पता है एक मिली लीटर जो है एक घंटे में आता है, तो मैं टाइम बता दूंगी भाई इस बाल्टी को भरने में कितना टाइम लगेगा, वही मेरा एज होगा सेडिमेंट का ठीक है. सिंपल प्रिंसिपल समझ में आ गया आपको, नहीं आया तो आप इससे बाद में पूछ सकते हैं ठीक है. और ये इंस्ट्रूमेंट है जो इसमें यूज होते हैं, ये क्रिस्टल्स को हम ऐसे छोटे छोटे एल्यूमिनियम के डिस्क हैं इससे हम चिपका देते हैं, और ये मशीन है जिसमें हम लोड करते हैं जो फोटोन काउंट कर लेती है, इलेक्ट्रॉन का हमें काउंट कर लेती है पूरा, और इससे हम सेगमेंट की एज बता सकते हैं. ऐसे हमने सतलुज में जो है इन मिट्टी के जो टीले थे आपको ने अलग अलग उसमें इवेंट्स देखे उनको हमने डेट किया ठीक है, और वो डेट्स आपको यहाँ पे मैं एक सिंप्लीफाइड डायग्राम में दिखा रही हूँ. इन एजेस के हिसाब से आप देख सकते हो सतलुज घाटी में चार मेजर ऐसे टाइम पीरियड थे जब फ्लड्स आए. वाई एक्सिस में आपका टाइम है, तो पहला जो फ्लड फेज आया था वो लगभग 13,000 से 10,500 साल के बीच में बहुत सारे वहाँ पे बड़े बड़े फ्लड्स आए थे, उसके बाद कोई फ्लड का रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास. फिर फ्लड्स कब आने शुरू हो गए आपके तकरीबन 8,000 साल से 5,200 तक एक मेजर फेज कब आया जब बहुत सारे फ्लड्स आए सतलुज घाटी में, फिर छोटा सा गैप है और तीसरा फ्लड फेज है, और फिर एक गैप है और लगभग 2000 साल पहले भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा बाढ़ आई थी. अब भाई हमें ये तो पता चल गया कि ये फ्लड कब आए थे, अब क्वेश्चन क्या हम एड्रेस क्या कर रहे हैं इसमें, हमारा इंटरेस्ट तो क्लाइमेट जानने में कि क्लाइमेट कैसा था उस टाइम पे ठीक है, असली क्वेश्चन है क्लाइमेट का. अब हम ये पता कैसे करेंगे कि अगर इतने साल पहले फ्लड्स आए तो उस टाइम पर क्या क्लाइमेट था, उसके लिए और वैज्ञानिकों ने समंदर में जो सेडिमेंट्स होते हैं समंदर के फ्लोर पर या फिर जो आपके साउथ पोल है नॉर्थ पोल है उस पर जो बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं उसमें जो बर्फ़ है उनको स्टडी करके अर्थ के कुछ पिछले 60 मिलियन सालों का क्लाइमेट कैसा था वो हम लोगों को पता लग जाए, कब गर्म था ज़्यादा थी कब ठंडा था कब बारिशें ज़्यादा थी कब कम थी, तो हम अपने इन रिकॉर्ड्स को उन रिकॉर्ड्स के साथ में कंपेयर करेंगे और ये देखेंगे कि उस टाइम पर क्लाइमेट कैसा था ठीक है. ऐसे कुछ रिकॉर्ड्स को समझकर हमने ये लास्ट वाला जो आप रंगीन सा एक पैनल देख रहे हैं ये बनाया, इसमें हर रंग एक क्लाइमेट कंडीशन को दर्शा रहा है, जैसे कि ये गहरा नीला रंग जो है ये बता रहा है कि इस टाइम पे लगभग 11 से 9000 साल के बीच में जो आपका क्लाइमेट था उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बारिशें होती थी और वो थोड़ा गर्म भी था राइट. और उसके बाद जो हल्का नीला रंग है इस टाइम पे बहुत बारिशें भी नहीं थी बहुत ठंडा भी नहीं था बीच बीच का कुछ मामला था, और ये जो पिंक कलर है ये बताता है हमें कि इस टाइम पीरियड में जो लगभग 5000 साल से आपका 1000 साल पहले तक का क्लाइमेट था ये ड्राई था ना, इसमें बहुत बारिशें थी और थोड़ा ठंडा भी था कोल्ड भी था ठीक. और दो वेदर सिस्टम्स की हमने बात की थी मॉनसून और रेस्ट रिलीज, चलो कुछ तो उठे हुए नहीं रेस्ट रिलीज राइट. तो वो वेदर सिस्टम्स जो है सिंगल से हमने रिप्रेजेंट किए हैं, जो ये आपको सितारे दिख रहे हैं व्हाइट कलर के
ये वेस्टलीज है और जो ये लाइनें दिख रही हैं ये मॉनसून है। अब जहाँ पे मैंने लाइनें बहुत नज़दीक नज़दीक बनाई हैं इसका मतलब उस टाइम पे मॉनसून बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था, तो जितना पानी जितना बारिशें आ रही हैं उसका मॉनसून से आ रही है। और जहाँ पे मैंने ये सितारे बहुत सारे बनाए हैं इसका मतलब वेस्टलीज बहुत स्ट्रांग था, तो जो बारिश हो रही थी वो वेस्टलीज आ रही थी। अब आप मुझे बताओ हमारे फ्लड के रिकॉर्ड क्या इस गहरे नीले से मैच करते हैं? कुछ कुछ शायद, ये इतना सा पर ये मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन नहीं करता है ना, करते नहीं करते नहीं करते है ना। ज़्यादातर जो हमारे रिकॉर्ड हैं चाहे एक दो तीसरा क्लस्टर ये या तो गुलाबी पोर्शन के साथ मैच कर रहे हैं या हल्के नीले के साथ मैच कर रहे हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो अब हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि अगर तो मॉनसून नहीं थी जो ज़्यादा बरसातें कर रही थी और वेस्टलीज भी आप देख लो वेस्टलीज भी कोई बड़ी स्ट्रांग नहीं थी इस टाइम पे, राइट, तो फिर ये एक्सेस ऑफ प्रेसिपिटेशन जिसको हम बोलें या क्लाउड बर्स्ट टाइप का जो फिनोमेना हो रहा था ये कैसे हो रहा था? ना आपकी मॉनसून स्ट्रांग थी ना वेस्टलीज स्ट्रांग थी, तो एक्सेस पानी आ कहाँ से रहा था? फ्लडिंग, तो फ्लडिंग के लिए तो पहली कंडीशन आपको पानी चाहिए, राइट। उसको समझने के लिए हमें थोड़ा दूर जाना पड़ेगा, काफ़ी दूर जाना पड़ेगा। हम लोग हैं यहाँ पर, इस बेल्ट को हम मिड लैटिट्यूड बेल्ट भी बोलते हैं, 30 डिग्री नॉर्थ 45 डिग्री नॉर्थ तक का इलाका रहता है। हमें जाना पड़ेगा यहाँ नॉर्थ पोल में, आर्कटिक सर्कल में। नॉर्थ पोल में क्या रहता है? पोलर बेयर रहता है। पोलर बेयर क्यों रहता है? वहाँ पे बहुत बर्फ है जिसकी, जैसा अभी कोई कह रहा था, है ना, बहुत सारे बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं जिनको हम आइस शीट्स बोलते हैं, मतलब वहाँ बहुत ठंडा क्लाइमेट रहता है, बहुत ठंड रहती है, ठीक है। अब वहाँ पे ठंड है और मिड लैटिट्यूड में क्या है? गर्म है। एक फिर से हमने थर्मल कॉन्ट्रास्ट है क्रिएट कर दिया। इस थर्मल कॉन्ट्रास्ट के कारण लगभग जमीन से 10 किलोमीटर ऊपर हवा में हवा की नदी चलती है जिसको हम जेट स्ट्रीम बोलते हैं। ये इतनी तेज वेलोसिटी उससे चलती है, जो बुलेट ट्रेन होती है ना उससे भी तेज भागती है ये हवाएं, और इनका नाम है जेट स्ट्रीम। अगर ये थर्मल कॉन्ट्रास्ट बहुत स्ट्रांग होगा, मतलब आपके आर्कटिक में बहुत बर्फ होगी, अच्छी खासी ठंड होगी, तो जेट स्ट्रीम जो है बहुत स्ट्रांग होगी। अब इसके स्ट्रांग होने से हमारे फ्लड्स कैसे आएंगे हम वो भी समझते हैं इस कार्टून के द्वारा। अब यहाँ पे क्या है? जेट स्ट्रीम स्ट्रांग है बहुत, जब वो स्ट्रांग होती है तो सीधे चलती है लक्ष्य की तरफ, इधर उधर नहीं भागती है, ठीक है। और जब वो सीधी चलती है, जो आपकी कोल्ड आर्कटिक एयर है, ठंडी बहुत ठंडी ध्रुवीय हवा है, वो नीचे नहीं आ पाती हिमालय की तरफ या इक्वेटर की तरफ, और इंटरैक्ट नहीं कर पाती मॉनसून के साथ में, दोनों अलग अलग रहते हैं, बिल्कुल सही रहता है। लेकिन जैसे आपने थर्मल कॉन्ट्रास्ट को कम किया, आपने आप आर्कटिक में ग्लेशियर पिघलाने शुरू कर दिए, आइस शीट्स पिघलाने शुरू कर दी, तो वहाँ का टेम्परेचर थोड़ा गर्म हुआ और जो टेम्परेचर डिफरेंस था वो कम हो गया। अब टेम्परेचर डिफरेंस कम होगा, जो आपकी जेट स्ट्रीम है वो कमज़ोर पड़ जाती है और इधर उधर से घूमने लगती है, दाएं बाएं, जब पढ़ाई में मन नहीं लगता तो करते ना दाएं बाएं इधर उधर, बस जेट स्ट्रीम का ही वही हाल होता था, दाएं बाएं चलती है वो। अब दाएं बाएं चलती है तो जो कोल्ड एयर है आर्कटिक की वो इंटरैक्ट करने लग जाती है वार्म मानसून एयर के साथ में, और जब ये इंटरैक्शन हिमालय जैसे स्लोप पे होती है तो भयानक बारिश होती है, जैसी 2013 में 2013 में एग्जैक्टली यही मैकेनिज्म हुआ था जो मीटरोलॉजिस्ट ने सैटेलाइट के थ्रू रिकॉर्ड किया। बिल्कुल इस तरीके की ठंडी हवा और गर्म हवा हिमालय के पास इंटरैक्ट की, बहुत ज़बरदस्त बारिश हुई, उसका अंजाम हम सबको पता है। तो सतलुज में भी जो हमारे रिकॉर्ड्स हैं वो ये बताते हैं कि ये मैकेनिज्म कोई नया नहीं है, एटलीस्ट पिछले 14,000 सालों से इसी तरीके से ठंडी गर्म हवाएं आपस में इंटरैक्ट करती आई हैं और बहुत ज़्यादा प्रेसिपिटेशन देती आई हैं। ये सैटेलाइट इमेजरी है जिसमें आप दो साइड से बादल भी देख सकते हो कैसे कन्वर्ज हो रहे हैं। ये अलकनंदा की फोटोग्राफ है, क्योंकि आप लोग बिल्कुल उस इलाके में बैठे हैं तो मुझे लगा मैं आपको दिखाऊं। अगर भैंसवाड़ा आप जाओ यहाँ से
तो वहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे अलकनंदा के ऐसे डिपॉजिट दिखेंगे आपको, यकीन है टेलो फ्लड डिपॉजिट्स हैं जो 2008 में लोग स्टडी कर चुके हैं। अब दूसरा बड़ा क्वेश्चन आता है जोन्स का, क्या कुछ ऐसे इलाके हैं हिमालय में जो बार बार फ्लड जनरेट करते हैं, हॉटस्पॉट्स हैं। इनको समझने के लिए ये एक एलिवेशन प्रोफाइल है, मतलब अगर मैं गंगा प्लेन से चलूं और हर 10 किलोमीटर के बाद जहां मैं खड़ी हूं वहां की मैं हाइट मेजर कर लूं। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जो सैटेलाइट से मुझे बता देते हैं कि इस समय हाइट क्या है, बस ऐसे मैं 10-10 किलोमीटर के बाद हाइट मापती चली जाऊं और उसको ऐसे एक्स वाई प्लॉट पे प्लॉट कर दूं, तो मेरे पास जो प्रोफाइल बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी। यहाँ पर आपके गंगा प्लेन है और उसके बाद आपकी एलिवेशन जो है पहाड़ों का जो साइज हो बढ़ता बढ़ता इनको जाके क्लेम हो जाता है, पठार बन जाता है, राइट। और इसी एलिवेशन के बेसिस पे हम हिमालय को डिफरेंट जोन में डिवाइड भी करते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो सब हिमालय, ऋषिकेश तक हमारा सब हिमालय आता है, उसके बाद जहाँ आप लोग बैठे हो ये लेसर हिमालय का हिस्सा है, राइट। जोशीमठ से आपका हायर हिमालय शुरू हो जाता है, लगभग मनाली तक जाएगा, उसके बाद कुछ पोर्शन ट्रांस हिमालय का और फिर तिब्बत के पठार शुरू हो जाएंगे। अब मैं बात कर रही थी सतलुज में भी इन चीज़ों की कि हर जोन जो है इसमें जो चट्टानें हैं आपके पहाड़ हैं वो एक खास किस्म के अलग अलग किस्म के पत्थरों से बने हैं और हर जोन में कुछ रॉक्स हैं जो डोमिनेट करते हैं, एक टाइप के रॉक डोमिनेट करते हैं, ठीक है। इनका एक अपना केमिकल कॉम्पोजिशन होता है जिसको हम एनालाइज कर सकते हैं लैब में, जिसको हम बोलते हैं जियो केमिकल फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है। तो अगर मैं एक पत्थर हूँ उसको मैं एनालाइज करूँ तो मैं ये बता सकती हूँ कि वो हायर से आया है, लेसर से आया या सब हिमालय से आया, एक अलग केमिकल मुझे फिंगरप्रिंट वो देगा। और इसी चीज़ को हम एक्सप्लॉइट करते हैं फ्लड को समझने के लिए, अगर मैं अपने फ्लड्स को भी एनालाइज करूँ और उसका भी जियो केमिकल फिंगरप्रिंट ले लूँ फिर मैच करूँ कौन सी तरह के जोन में वो बैठ रहा है, तो मैं ये पता लगा सकती हूँ कि मेरे फ्लड्स ज़्यादातर कहाँ से मलबा लेके आ रहे हैं। अफकोर्स कुछ कुछ मलबा तो सारे जोन्स देंगे उसको, लेकिन ज़्यादा मलबा कहाँ से आ रहा है, ये इस तरीके की टेक्निक से लगभग जितनी मैंने स्टडीज डिस्कस की आपसे वो ये बताती हैं कि जो हमारा हायर हिमालय का जोन है जोशीमठ से मलारी वाला, अगर मैं अलकनंदा की बात करूँ, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, और यही वो इलाका है जिस जो ज़्यादातर सेडिमेंट देता है फ्लड्स के टाइम पे, ज़्यादातर फ्लड्स यहीं से ओरिजिनेट होते हैं, राइट। अब बात करते हैं हमारी और आपकी, हम लोग कैसे इन ट्रेजिडीज से डील करते हैं, ये तो नेचुरल फिनोमेना ही हमें पता चल गया, पिछले 14,000 सालों से कम होता आ ही रहा है, लेकिन हम और आप क्या करते हैं, क्या हम इसका जो इम्पैक्ट है नेगेटिव इम्पैक्ट है उसको हम बढ़ाते हैं। ये मैं आपको फोटोग्राफ से समझाती हूँ, इधर बहुत अच्छी नहीं दिख रही है यहाँ पर, तो फिर भी कोशिश करना मेरे साथ देखूंगी। ये आपका चौरास का इलाका है जहाँ हम बैठे हुए हैं अभी, ये नेचुरल सेडिमेंट है, नदी नेचुरली भी सेडिमेंट लाती है और इसको वैज्ञानिकों ने डेट किया है OSL के द्वारा, और इसकी डेट आती है आपकी लगभग 18,000 से 8,000 साल के बीच में, तो कम से कम 8,000 साल तक तो ये मलबा यहीं पे बिल्कुल स्टेबल तरीके से पड़ा हुआ है, राइट। अब हमने क्या किया, यहाँ पे आपको छोटा मलबा दिख रहा है, इधर ये नदी ने नहीं डाला है, ये हम लोगों ने डाला है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करके, सड़कें बना के और चीज़ें कंस्ट्रक्शन करके, ये हमने सब ये मलबा यहाँ डंप कर दिया। अब 2013 में क्या हुआ, नदी का पानी बढ़ा, वो तो ठीक गुस्से में उसने ये सारा सेडिमेंट जो है ये काट दिया, ये तो काटा ही काटा, लेकिन जो 8,000 साल से आराम से उसका खुद का मलबा पड़ा हुआ था उसको भी उसने काटना शुरू कर दिया। तो हमने क्या किया, हमने उस ट्रेजेडी को एग्रेवेट कर दिया और ये सारा का सारा मलबा जो है इसने श्रीनगर जो शहर है नीचे डाल दिया, वहाँ पे कई मीटर थिक जो है सिर्फ डिपॉजिट हो गया, और इस पर बहुत अच्छी स्टडी की है प्रोफेसर सिंगजाल जी ने, उनका साइंटिफिक पेपर है जिससे उन्होंने ऐसा ही जो जियो केमिकल फिंगरप्रिंटिंग पे बात करी हूँ उससे ये बताया कि जितना भी मलबा श्रीनगर में बैठा, श्रीनगर टाउन में बैठा, वो हम लोगों द्वारा जनरेट किया गया और नेचुरल सेडिमेंट नहीं था जो चोरावारी या फिर पैराग्लेशियर जोन से आता, वो सेडिमेंट यहीं का था जो एक खास किस्म की रॉक है फिलाइट
वहां से जनरेट हुआ है, जो हमने खोज खोज के पहाड़ों को वहां डंप कर दिया। ये इस तरह की कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है समझने के लिए कि हम लोग कैसे इन नेचुरल जो ट्रेजेडीज हैं उनका इम्पैक्ट हम कैसे एम्पलीफाई कर रहे हैं या कम कर रहे हैं शायद कहीं पर। और साथ साथ हम क्या करते हैं, मलबा को हम एडिशनल डाल ही रहे हैं, जैसे हमने श्रीनगर में देखा बहुत बार क्या करते हैं हम, नदी का हम रास्ता भी रोक देते हैं, सेडिमेंट ऑब्स्ट्रक्ट भी कर देते हैं। किस फॉर्म में, ये वही सेम वैली है जो साथ में मलबा लेके चली पैराग्लेशियल जोन से, और उसके कुछ डाउनस्ट्रीम में एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हमने बना दिया, उसका बैराज बना दिया, पानी रोक दिया। अब नॉर्मली क्या होता, मलबा लेती नदी अब निकल जाती, हमने उसको रोक दिया और एक टेम्प्ररी डैमिंग कंडीशन क्रिएट कर दी, जैसा शायद लैंडस्लाइड डैम्स के केस में होता है। कुछ देर तक तो बैराज में उस पानी को रोका, लेकिन कब तक, फिर वो नदी ने क्या किया, उस झील को जो हमारे द्वारा बनाई गई है उसको फाड़ा और नीचे मलबा डालती हुई पानी डालती हुई चली गई। तो हमने तबाही को जो है बहुत बहुत टाइम्स जो है एम्पलीफाई कर दिया ऐसी ऑब्स्ट्रक्शन कर। तो जो मैंने आपको दो एग्जाम्पल दिखाया वो बहुत ही नेगेटिव एग्जाम्पल है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम इन नेचुरल आपदाओं का जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दे रहे हैं, राइट। ये डिस्ट्रॉय हो गया था, खुद भी ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट सस्टेन नहीं करता है, डिस्ट्रॉय हो गया था इस इवेंट की। अब बात करते हैं लेसन्स लर्न, क्या आप लोग यंग जनरेशन हो, आप में से ही आगे लोग अलग अलग प्रोफेशंस चूज करेंगे, और सबसे ज़्यादा बड़ी बात है कि आप लोग इस देश के जिम्मेदार नागरिक बनोगे। आप लोगों को ये रियलाइजेशन होनी ज़रूरी है कि क्या हमने इन आपदाओं से कुछ सीखा है और क्या सीखना बाकी है। आप खुद डिसाइड करो कि हम सही में कुछ सीख पाए हैं इन आपदाओं से या नहीं। और ये फूल है एक जो मंदाकिनी नदी के किनारे बना हुआ था, और ये फोटोग्राफ है 2013 के फ्लड की, इस पर भी फ्लड का पानी आया था, इसकी छत पे आपको रेत के डिपॉजिट मिल जाएंगे। ये था कि उस टाइम पे बच्चे नहीं थे, कोई था नहीं स्कूल में, तो जाने बच गई थी, लेकिन इस पर फ्लड का पानी चढ़ा था। और ये है स्कूल जब नदी फ्लड नहीं करती, कोई नहीं समझ सकता कि ये नदी इतना उफान मारेगी कि स्कूल के छत पे भी पानी डाल देगी। अब हमें क्या चाहिए था, हमने इवेंट देख लिया जून में कि भाई ये तो खतरी वाली जगह में बना है स्कूल, आपकी समस्या में क्या करना चाहिए था, स्कूल हटा देना चाहिए था, कहीं सेफ जगह में बनाते, हमने वो नहीं किया। हमने देखो क्या किया, हमने उस बिल्डिंग को तो ठीक ठाक कर ही दिया, साथ में एक नई बिल्डिंग भी बना दी यहाँ पे, और उसको मार्च तक पूरा भी कर दिया, भाई एक और बिल्डिंग बन गई है, आओ और फ्लड आओ। और खुदा ना खास्ता उस टाइम पे अगर बच्चे इसमें होते हैं तो और लोग होते हैं, तो इन ये जो जाने जाएंगे उसके बाद उसके लिए कौन जिम्मेदारी है। ये चीज़ें हमें सोचने की ज़रूरत है। अगर आपके इलाकों में इस तरह की आपको कोई बेवकूफ़ी भरी हरकत दिखती है तो बात करें अपने रिप्रेजेंटेटिव से, और ये चीज़ें हटवाएं वहाँ पर। ये चीज़ें और भी बहुत कुछ हमें समझाती हैं, ऐसे एग्जाम्पल क्या समझाती हैं, जितने स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं या हॉल्स हैं, जैसे ये वाला हॉल है, ये कम्युनिटी सेंटर्स का काम करते हैं आपदा के टाइम पे, जब लोगों के घर नहीं रहते हैं तो ऐसी जगहों पे वो शेल्टर लेते हैं। लेकिन हम यहाँ क्या करें, हम तो कम्युनिटी सेंटर को ही खतरे में डाल दें, तो एक बैड एग्जाम्पल है, नेगेटिव एग्जाम्पल है। ये हमें ये भी बताता है कि हम लोगों की मेमोरी कितनी छोटी है, राइट, पब्लिक मेमोरी भी और इंस्टीट्यूशन की मेमोरी भी। भूल गए हम कि कुछ महीने पहले यहाँ पे क्या सर्वनाश हुआ था। और ये मेमोरीज, हमारा एटीट्यूड, हम कैसे डील करते हैं किसी सिचुएशन में, समस्याएं तो आती हैं, नेचुरल आपदाएं तो आती हैं, लेकिन आप अपने विवेक का कैसे प्रयोग करते हो सिचुएशन में, वो डिफाइन करता है आपका एटीट्यूड, आपकी परसेप्शन। और हमारा एटीट्यूड तो आपने देख लिया कितना ख़राब है, इसको चेंज करने की ज़रूरत है, बदलने की ज़रूरत है। और इसका एक और रिफ्लेक्शन हमें दिखता है हमारे अर्ली वार्निंग सिस्टम में, जहाँ हम बोर्ड लगा देते हैं नदी के बाहर कि भाई अगर नदी में पानी बढ़ गया तो कभी भी बढ़ सकता है, कोई सिस्टम नहीं है, अगर आप डूबते हो, आपका कोई पशु डूबता है, आपकी जिम्मेदारी, हमने तो अपना पल्ला झाड़ दिया। बैड एग्जाम्पल, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसका मैं आपको पॉजिटिव एग्जाम्पल देती हूँ, बहुत सरल इकोनॉमिकली एफिशिएंट वार्निंग सिस्टम हम इंस्टॉल कर सकते हैं पहाड़ों में, जब तक कि हम ये नहीं समझ पाएँ या प्रिडिक्ट नहीं कर पाएँ फ्लड को, या ये नहीं समझ पाए कौन से जोन्स बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं। मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके के वार्निंग सिस्टम हैं।
एक ईसी मोड करके संस्था है, रिसर्च संस्था है जो हिमालय में, हिमालय बहुत कंट्रीज में फैला हुआ है ना, इंडिया में है, पाकिस्तान में है, चाइना में है, तो इन सब कंट्रीज में मिलकर एक रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया है जिसका हेडक्वार्टर नेपाल में है, काठमांडू में, और ये काम करता है एक्सक्लूसिवली हिमालय के ऊपर। इन्होंने नेपाल हिमालय में कुछ अर्ली वार्निंग सिस्टम्स इंस्टॉल किए हैं नदियों में, उन इलाकों पे जहाँ पे नॉर्मली कोई जाता नहीं तो पता नहीं चल पाता क्या क्या होता है। ऐसा एक अर्ली वार्निंग सिस्टम है, ये रेन गेज है सिंपल सा, वो ये मापता है कितनी बारिश हुई है, और एक उसमें थ्रेश होल्ड फिक्स कर दी जाती है कि सपोज 20 मिलीमीटर बारिश हो गई तो उसमें एक लीवर लगा देते हैं, या 20 मिलीमीटर पानी इकट्ठा हो लीवर अपने आप टिक कर जाएगा ऐसे, और एक बटन को दबाएगा जो रेडियो का सिग्नल देगा डाउनस्ट्रीम इलाकों में कि भाई ऊपर इतनी बारिश हो गई है, खतरा है। ऑटोमेटिक सिस्टम एक एग्जाम्पल ये है। दूसरा एग्जाम्पल है, ये रिसीवर का एग्जाम्पल है जो डाउनस्ट्रीम के घरों में लगा होगा, उनको अपने आप वार्निंग मिल जाएगी कि बहुत बारिश हो रही होगी। दूसरा हमने एग्जाम्पल लिया था झीलों के फटने का, हो सकता है बारिश ना हो झील फटे, तो उसके लिए उन्होंने नदी में भी ऐसा एक लीवर सिस्टम ही इंस्टॉल किया है कि एक डिस्चार्ज के बाद ये लीवर फिर से टिप करेगा, बटन को दबाएगा, ऑटोमेटिक सिग्नल जाएगा, और ये सब कुछ का खर्चा लगभग 1,00,000 रुपये के अंदर आ जाते हैं। बहुत महंगी चीज़ें नहीं हैं, ये डूएबल है ना, इसमें कुछ बहुत रॉकेट साइंस लगती है, सब कुछ के डूएबल है। ऐसे सिस्टम्स की ज़रूरत है हमारे एरियाज में, अर्ली वार्निंग सिस्टम है जिसमें बहुत सारी जाने बच सकती हैं, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बच सकता है। तो मैं क्विकली समराइज करूँगी जो जो हमने डिस्कस कर, उसके बाद आपके कुछ क्वेश्चन हैं तो आप इससे पूछ सकते हैं। हमने ये रियलाइज़ किया कि एक तो पहली बात, हिमालय के जो फ्लड्स हैं वो मिथ नहीं है, वो रियलिटी है, जस्ट उनका नेचर बहुत अलग है मैदानी इलाकों के फ्लड से। जैसे कि ट्रिगरिंग मैकेनिज्म जो डोमिनेंट है वो क्लाउड बर्स्ट या एक्सट्रीम रेनफॉल्स हैं या लैंडस्लाइड आउटबर्स्ट फ्लड्स हैं। सेडिमेंट का सोर्स जनरल पैराग्लेशियल जोन है, और जो एक वनरेबल जोन की हम बात करें वो हायर हिमालय का जोन है, जिससे हम जितनी कम छेड़छाड़ करें उतना ही ज़्यादा अच्छा है। वेदर कंडीशंस के बारे में हमने बात की, आपको ये समझ में आ गया कैसे दो डिफरेंट तरीके के वेदर सिस्टम आपस में इंटरैक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा बारिश पैदा करते हैं, ये भी हमने आज डिस्कस किया है। लेकिन अभी भी बहुत सारे सवाल हैं जो अनआंसर्ड हैं, जिनके लिए हमें और रिसर्च की ज़रूरत है, जैसे कि पैटर्न्स क्या है इन इवेंट्स के, फ्रीक्वेंसी क्या है, कितने टाइम के बाद कोई फ्लड आएगा, और इसीलिए प्रिडिक्शन ऑफ फोरकास्टिंग भी हम नहीं कर पाते हैं अभी तक। ये सारे क्वेश्चन अनआंसर्ड हैं, और ये आएंगे सिर्फ आपके जियोलॉजिकल आर्काइव से, लॉन्ग टर्म रिकॉर्ड्स, इसीलिए इन स्टडीज का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप यंगर जनरेशन हो, आप डिसाइड करोगे कि आप हिमालय की जो लोग हैं या फ्यूचर लोग हैं उनको ऐसे रोता हुआ देखना चाहते हो, या फिर ऐसे खिलखिलाता हुआ देखना चाहते हो जो पत्थर में भी हंसी हो, ये आपके ऊपर है। थैंक यू वेरी मच आपके कुछ एक साल बाद वो ले जो है कि कब जाएगा वहाँ से पानी आएगा, जब केदारनाथ पे जो आपदा आएगी उसमें भी केदारनाथ मंदिर के ऊपर एक था जो पटा था उस वक्त, तो उस वक्त कोई कैलकुलेशन ऐसी क्यों नहीं की गई, या उसमें आपने जो आईसी मोड जो भी आपने बताया उस वक्त उन्होंने क्या काम किया उस लेख के बताने में कि ये वार्निंग के तहत ये पड़ सकती है या इसमें ज़्यादा बारिश हो गई है, तो वार्निंग नीचे के एरिया में कब कैसे ट्रांसफर उस वक्त की गई। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या नाम है आपका? ओके, अंकुर ने बहुत अच्छा एक क्वेश्चन किया है कि उस तरीके की लेक्स तो हिमालय में, आपने चोराबाड़ी का एग्जांपल दिया, बहुत जगह से बनी हुई है, राइट। जो इटिमो जैसी ऑर्गेनाइजेशन है वो टाइम टू टाइम मैपिंग करते नहीं है, हर साल वो एक रिपोर्ट निकालते हैं जिसमें हम पोटेंशली डेंजरस लेक्स भी आइडेंटिफाई करते हैं, वो इंफॉर्मेशन जाती है आपके एडमिनिस्ट्रेशन के पास। देखो, जो साइंटिस्ट लोग हैं या फिर जो टेक्नीशियन है वो अपना काम करके एडमिनिस्ट्रेशन को थमा देते हैं, यहाँ पे खतरा है, अब उससे आगे एक्शन क्यों नहीं हुआ, उसके लिए आंसरेबल वो मशीनरी हो जाती है ना। और दूसरी बात मैं आपको एक और बताना चाहूँगी, जो 2013 की आपदा थी उसमें चोराबाड़ी लेक का जो हाथ था बहुत कम था, उसमें ठीक है एक लोकल स्केल पे मंदिर के आसपास उसने पानी बढ़ाया और डैमेज किया, लेकिन जो असली डैमेज हुआ है वो हुआ है एक्सट्रीम रेनफॉल, जिसको हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर पाए,
क्योंकि हमें पता ही नहीं था ये ऐसी इंटरेक्शन होते हैं. ये 2013 के बाद हमें समझ में आने लगा कि इस तरह की इंटरेक्शन भी होती हैं, तो शायद फ्यूचर में हम बेटर प्रिडिक्शन कर पाएंगे. सहारा डेजर्ट कैसे बनाए, ये तो मुझे अलग टॉपिक तैयार करना पड़ेगा उसके लिए. लेकिन सहारा डेजर्ट जैसे आप कह रहे हो, पहले तो हरियाली थी, साइकिल्स होते हैं अर्थ के क्लाइमेट में, ठीक है. तो इन साइकिल्स का अपना एक कारण होता है, जो सबसे बड़ा कारण है वो है सूर्य की एनर्जी. सूर्य की एनर्जी वेरी करती है 1000 ईयर स्केल पे या फिर उससे ज़्यादा स्केल पे. और अगर आपकी सूर्य की एनर्जी रहती रही होगी, जो वहाँ पे वेदर सिस्टम है वहाँ पे भी एक सूडो मानसून सिस्टम चलता है कि उसको हीट कर दे, वो उसको चलाना पाए, तो आपके वहाँ पे मरुस्थल बनेगा जैसे आजकल. और हरियाली वहाँ तब रही होगी जब वो उस वाले साइकिल में होगा जब जहाँ पे ज़्यादा नमी होगी जो सूर्य की किरणों के दौरान. एक ये कारण हो सकता है सारा डेजर्ट के गन्ने या बिगड़ने का. तो एक नेचुरल साइकिल है बेसिकली, ठीक है. कैपेसिटी की जो तो शायद आपको जानना है, लोग ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे. लेकिन हाँ, डेफिनेटली खतरनाक सही कह रहे हैं. और बहुत सारी अभी प्रेजेंट स्टडीज भी हुई है जिसको हम लोकल सिग्निफिकेंस कहते हैं. मतलब अगर मैं एक जगह पे खूब सारा पानी डाल दूँ जैसा इसने बांध में किया है, तो वो अपना भी एक अर्थक्वेक जनरेट करता है वहाँ. खतरा तो है उस डैम को डेफिनेटली, लेकिन हम उसमें कितना कर पाएंगे. क्योंकि डैम बन गया है, आप उसको पूरा डिसफंक्शनल कर दो, उसको हटा दो, मतलब वहाँ से बिल्कुल सेफ तो हम तभी हो पाएंगे. लेकिन कब होता है ये अर्थक्वेक या कब वो पड़ता है, ये तो हम कुछ नहीं पता. बाढ़ से तो खतरा है, वो भी मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा. जैसे 2013 का मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि कुछ टाइम तक तो डैम्स ने वो जो एक्सेस पानी आया था वो रोक के रखा, फ्लड गेट्स नहीं खोले. तो उनकी भी अपनी एक कैपेसिटी है, राइट. जब उनकी कैपेसिटी बढ़ गई, अगर तब तक आपका बाढ़ निपट गया तब तो ठीक है, खतरा नहीं है. लेकिन जैसे ही उनकी कैपेसिटी खुल गई, उन्होंने फ्लड गेट्स खोल देने, और उसके बाद जो इम्पैक्ट होगा वो वैसा ही होगा जैसे एक लैंडस्लाइड डैम लेक जो बर्स्ट करती है उसके इतने होगा, तो एम्पलीफाई हो जाएगा. तो खतरा तो है, मैं आपसे भी कहता हूँ. हम जब जो मानसून का मुझे जुलाई का है, तो ऐसा पॉसिबल है कि जुलाई का मानसून? देखो बोलते हैं मानसून बिल्कुल जब अपने चरम सीमा पे होता है, उससे पहले की जो मानसून की हवाएं होती हैं वो इंटरैक्ट करेंगी वेस्ट ईस्ट के साथ में और कोल्ड आर्कटिक एयर के साथ में. तो वो मानसून शिफ्ट नहीं हुआ था, बस वो इंटरैक्शन ऐसी होगी थी कि बारिश हो गई वहाँ पे. बोल रहा अच्छा. हाँ, ये सब कैलकुलेशन तो वो करते हैं, लेकिन हम क्या कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं. हम ये कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं कि नदी से पानी लेके नहीं आएंगे, 20-20 मीटर के बोल्डर भी लेके आएंगे, वो हम कैलकुलेट नहीं कर पाते कि उस बोल्डर का इम्पैक्ट कितना हो गया. अभी तक हमने शायद अपने डिजाइन में उस चीज़ को शामिल नहीं किया. डैम तो बहुत ज़रूरी है, हमें कहीं नहीं तो बिजली कहाँ से आएगी हमारे पास, है ना. लेकिन हमें अपने शायद डिजाइन को उस तरीके से मॉडिफाई करने की ज़रूरत है कि हम सिर्फ पानी का ध्यान ना रखें हिमालय की नदियों के केस में, हम ये भी ध्यान रखें कि बड़े बड़े बोल्डर भी लेके आते हैं 10-10 मीटर के, 20-20 मीटर के. और वो बोल्डर जब आपके डैम को हिट करते हैं तो आप उसको कैसे टैकल करें? नहीं रुकते कितने देर में. आपको विष्णु पावर प्रोजेक्ट का फोटो दिखाया था बद्रीनाथ में, जो किसी टाइम तक उसने रोका होगा, लेकिन वो नहीं रुकेंगे ना. इतने बड़े बड़े आप मलबा डाली जा रहे सीमेंट की दीवार कब तक रुकेंगे? फटेगी फटेगी. जो बादल में आकृति कैसे बनते हैं, पैटर्न कैसे बनते हैं बादलों के? ये तो आकृति किस ढंग की, मतलब टाइप्स जो होते हैं बादलों के? बादल है आकाश में, वो फैलते हैं तो उनमें एक तरह से हम पैटर्न देखते हैं ना, पैटर्न वो तो आप क्या बोलूँगे उसको, आप ऐसे वो तो पैटर्न ऐसा है कि वो सॉलिड बॉडी नहीं है ना, वो अपनी शेप चेंज करती है और ऊपर भी हवा का प्रभाव तो है ही है. तो पैटर्न तो उस कारण मिलते हैं. अगर आप ये पूछ रहे हो कि बादल के कई किस्म होते हैं, कोई ऊंचा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, तो वो जो आपके एटमोसफेयर में विंड्स चलती हैं वो आपस में कैसे इंटरेक्ट करती हैं, उसके बेसिस पे किस तरह का बादल बनेगा वो डिसाइड होता है. लेकिन जो शेप चेंज करते हैं ये तो इसमें तो कुछ बड़ी वो नहीं है, मतलब ये क्योंकि सॉलिड बॉडी नहीं है, हवा तो चलती रहती है ऊपर, तो वो मॉइस्चर जो है बादलों का वो मूव करता है, तो अलग अलग शेप बना लेता है.
accompanying the all the participants. A very good evening to all of you. Now we are going for the validity function. As you we all know that अगर कोई प्रोग्राम स्टार्ट होता है तो उसका एक अंतिम दिन तो जरूर होता है. तो आज यू ऑल नो दैट टुडे इज द लास्ट डे एंड इन द वैलिडेटरी फंक्शंस एज पर द डायरेक्शंस गिवन बाय द एमएचआरडी एंड द ट्रेडिशन ऑफ दिस यूनिवर्सिटी दैट यू हैव ऑलरेडी सबमिटेड योर फीडबैक इन राइटिंग बट वी आर ऑल्सो गिविंग द चांस टू सम फ्यू पार्टिसिपेंट टू कम आउट ऑन द स्टेज एंड से अबाउट द गुड feedback and whatever he want to improve all in inspiring camp. Please, only 5 students raise your hand. 5 students. 5, 7, 5, 7. But please, एक विद्यालय से एक ही विद्यार्थी होना चाहिए है ना. डियर स्टूडेंट यू आर वेलकम एट द डायस. पर ये चीज ध्यान रखिएगा थोड़ा सा कि भावनाओं में नहीं बैठना है या कोई शेरो शायरी से शुरू नहीं करना है. आप लोगों को क्या प्रोग्राम में अच्छा लगा क्या खराब लगा यू आर फ्री टू स्पीक आउट. लेकिन यहाँ पर कोई शेरो शायरी नहीं होगी कोई लंबा भाषण नहीं होगा. टू द पॉइंट 2-3 मिनट आप लोगों को क्या अच्छा लगा क्या खराब लगा क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए आप बोल सकते हैं.
बहुत ही मतलब मेरे लिए मेरे हार्ट में एक स्पेशल जगह कर चुका है और उनके लिए मेरी बहुत रिस्पेक्ट बन चुकी है और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ उनका कि हम सब यहाँ पे बैठे हैं और उनसे सीख रहे हैं। First of all, good evening to you all, and I'm very thankful to all of you. You are listening to me, and also I'm very thankful for the organizing committee, and I'm standing here because of you. And my name is Manish Kumar Arya from Bageshwar VVMIC, and I'm thankful for also my school teachers for providing such a facilities, and also all of you. So आज मैं आपको आपके सामने डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि ये इंस्पिरेशनल ये प्रोग्राम मुझे जो आज बोलने का मौका दिया गया है तो उसके बारे में मैं सिर्फ ये बताऊँगा कि जो भी हम अपने स्कूल्स में पढ़ते हैं जो भी बातें हम अपने एकेडमी में पढ़ते हैं मैं खुद 18th रैंक पे था इस साल अपनी स्टेट बोर्ड में लेकिन इतना ज़्यादा ब्रॉड नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज मैंने अभी तक अपने पूरे एकेडमिक करियर में नहीं देखा था लेकिन यहाँ के जो भी हमारा जैसे जो भी प्रैक्टिकल्स हम करते हैं तो उसे हम डेली लाइफ में कैसे यूज़ करें ये मैंने सीखा है आज। और इससे पहले जो भी हम काम करते थे उसका हमको एप्लीकेशन पता नहीं होता था कि जो हमारी लाइफ है उस पर कहाँ पर यूज़ हो रहा है लेकिन यहाँ पर जो सर मेंटर्स थे उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से हमको ये अंडरस्टैंड कराया कि हम लोग भी कर सकते हैं एंड आई एम ऑल्सो थैंकफुल एंड आई गॉट सच अ प्रीटी मच इंस्पिरेशन फ्रॉम ऑल द मेंटर्स एंड आई एम वेरी यू नो एंथ्रॉल्ड बाय ऑल दीज थिंग्स विच इज हैपनिंग हेयर एंड आई गॉट सच अ वेरी मच इंस्पिरेशन दैट आई कैन डू वेल इन माय फ्यूचर इन एवरी फील्ड ऑफ माय लाइफ इफ आई वुड बी इन सोशल वर्कर एंड इफ आई वुड बी अ साइंटिस्ट इन माई फ्यूचर सो आई बी यू नो मैं कह सकता हूँ कि मैं एक अच्छा एक आइडियल पर्सन और एक ह्यूमन बींग बनने के काबिल बन चुका हूँ। तो मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब अपने स्कूलों में जाएँ वापस और अपने नेटिव एरिया में जाएँ तो ये ज़रूर बताएं कि इस इंस्पिरेशनल प्रोग्राम में जाने से कुछ ना कुछ तो फ़ायदा हम लोगों को होगा ही हमारा मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट तो होगा ही और उसके साथ ही हम एक सोशल ह्यूमन बीइंग और साइंस को जो अपनी लाइफ पे अप्लाई करता हो ऐसा हम काम जरूर कर सकते हैं। सो वेरी थैंक यू वेरी मच टू ऑल द और भी जो भी लोग यहाँ पर हैं और मैं स्पेशली इस इंटर कॉलेज SCM से हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि आज तक मेरा यह भ्रम था कि लोग मतलब मेरा कहना है कि मैं सोचता था कि अगर ऐसे कुछ नहीं है मतलब कि वैज्ञानिकों ने सब बना दिया हमारे लिए कुछ चीज़ छोड़ा मैं सोचता था पर अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम अभी खोज सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या कर सकते अपने जीवन में। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप सब वैज्ञानिक बने और मैं भी बोलूँगा। धन्यवाद आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम सहवाग राणा है और मैं सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज गोजर का छात्र हूँ। सर्वप्रथम तो इंस्पायर कैंप सरकार ने जो यह योजना चलाई है यह एक अच्छी योजना है क्योंकि जितने हम अभी यहाँ पर छात्र छात्राएं उपस्थित हैं इसके बाद हम अपने विद्यालयों में जाके जिन छात्रों को यह बताएंगे इससे वह इंस्पायर होंगे और वह भी पढ़ना चाहेंगे। इस इंस्पायर से मुझे सबसे पहले तो यह सीखने के लिए मिला कि जो किताबी ज्ञान है किताबी ज्ञान से भी हटके जो दुनिया में प्रत्येक चीज हो रही है अगर हम उस चीज से सवाल पूछे तो हमें अगर हम उस चीज से सवाल पूछे तो वह एक नया आइडिया बन जाता है। हमारी सोच को इंस्पिरेशन मिली है। हमारे हर तरह के मेंटर जैसे कई सब्जेक्टों के बारे में मुझे पता नहीं था भले इंटरनेट से हम पढ़ते हैं लेकिन इतना मुझे उन सब्जेक्टों के बारे में ज्ञान नहीं था। जैसे बर्ड वॉचिंग के बारे में सर ने हमें बताया कि कई चिड़ियाओं की जिन्हें हम समझते जिनके बारे में हमें ज्ञान नहीं था। एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताया जियोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी जैसे अभी हम 11th में आते हैं PCM के स्टूडेंट हैं वो सिर्फ 3 सब्जेक्ट पढ़ेंगे। हमें जो ये सब्जेक्ट बायोटेक्नोलॉजी जियोलॉजी जो बर्ड वॉचिंग ये है ये हमें BSc MSc के बाद इसका ज्ञान
मिलता, लेकिन सर लोगों ने अभी से हमें इसके बारे में इसके बेसिस कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर दिए हैं। ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात है और मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद और सर लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर कुछ कहने के लिए समय दिया। धन्यवाद ऑल ऑफ यू। जैसे कि आप इंस्पायर कैंप लगा हुआ था, तो जैसे कि नाम इंस्पायर, इंस्पिरेशन बहुत मिली इस कैंप से कि हमने आगे क्या करना है। जैसे मैं मैथ्स का स्टूडेंट हूँ तो सोचा था कि इंजीनियरिंग करूँगा, केवल इतना पता था कि जेई का एग्जाम है तो उसको निकालना है और बस आके इंजीनियर बन जाऊँगी। तो जैसे कल जो प्रैक्टिकल हमने देखे, जो मशीन है, कैसी कैसी मशीनें हैं, क्या क्या वो काम करती हैं, तो काफ़ी इंस्पिरेशन उससे मिली। और अगर मैं बोलो अगर पूरा कहूँ ओवरऑल में, तो मैं सर वाईबी सिंह सर से काफ़ी इंस्पिरेशन हुआ। जैसे मैंने उनसे एक क्वेश्चन पूछा था कि दिल की सुनिए या दिमाग की, तो उन्होंने मुझे इंस्पायर करके कहा कि आपको सुननी दिमाग की है लेकिन करना आपको दिल का है। और जैसे सर व्यवस्थाएं तो बहुत अच्छी थी, जैसे हमारे भंडारी सर है वो भी काफ़ी केयरिंग थे। एक दिन मैं बाहर तो था, चाय पिया था और वहाँ पे प्लेटें लगी हुई थी, तो मुझे भूख लगने लगी, तो सर ने कहा कि क्या तुझे भूख लग गई है, तो फिर मैंने कहा हाँ अभी खाना खाने वाला है, तो सर ने कहा कोई बात नहीं एक लेक्चर और उसके बाद खाना खा लेंगे। तो काफ़ी केयरिंग थी। पर सर एक प्रॉब्लम थी कि जिस हॉल में हम रह रहे थे चार के जो साइड वाल हॉल है वहाँ पे हमको थोड़ा चार्जिंग की प्रॉब्लम थी कि वहाँ पे मतलब अगर हम मतलब 30 या 40 से स्टूडेंट थे तो वहाँ पे मतलब चार्जिंग के लिए हमको काफ़ी कम से है। Writing test. Other result has been come, and I'm going to announce that 5 students who have been got their 1 to 5th position. Okay. So the 5th position is Shivani. She is from SVMIC, Babugarh, Vikas Nagar. Please come outside. And I'm requesting to. Subodh Prem, BMIC, Gopeshwar. For giving a certificate and a gift to Mr. Aman. The third Niyal, SVMIC, Rishikesh, Avasita. And I'm requesting to Dr. Jitendra. For giving a certificate and a gift. The second position is Swati Sukla, SVMIC, Rudraprayag. Please hand over a certificate and a gift. Prize. The first prize is Pallavi Rawat, SVMIC Gochar. Therefore, Dr. Subra Sharma ma'am, who comes from that ISA, and requesting to her, please give an award to Pallavi Rawat. Hopefully, इन 5 दिनों में जो आपने सीखा वो आप लोगों को सब पता है। एंड ऑन दिस लास्ट डे टुमारो यू आर लीविंग फ्रॉम दिस प्लेस एंड आई प्रे टू द गॉड दैट ऑल दिस सक्सेस इन योर लाइफ एंड यू विल गेट द ग्रेट अपॉर्चुनिटीज बिकॉज यू ऑल आर द बडिंग साइंटिस्ट हु विल गिव समथिंग न्यू टू आवर कंट्री टू सेव द ह्यूमैनिटी टू मेक that better life of human life. Now, the my last message to all of you that बेटा जीवन में जो भी करना है बस दिल से और बहुत अच्छे से करना है आपको, ठीक है। आप सब लोगों के एग्जाम भी होंगे, कुछ बच्चे प्लस टू के भी होंगे अभी इसमें, है कोई प्लस टू के बच्चे हैं कोई है? तो सर आप लोगों के एग्जाम हो गए क्या? आप सब लोगों को एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट ऑफ लक।